ठीक हूँ। और मौसम कैसा है देवास में? देवास चूंकि मालवा का पठार है,
और यहाँ अभी घनघोर बारिश की तैयारी है। अच्छा किसी भी समय बरखा जो है वो एकदम रूप में हमारे सामने आ मतलब सकती है। सुबह से मेघ गा रही थी या हालांकि वैसे पिछले ही कई घंटे से अपने आप ही बारिश आती है या मेघ छेक गाया सुबह से बहुत ज्यादा? नहीं, बारिश का तो खैर जबरदस्त मौसम चल रहा है हमारे यहाँ पे, और अभी भी किसी भी समय जोरदार बारिश हो सकती है। और और बहुत अच्छा लग रहा है इट इज आप वंडरफुल। आपके माध्यम से। हाँ जी, इट्स रियली रियली वंडरफुल, बिकॉज लास्ट 3 मंथ्स यू आर आस्किंग मी फॉर दिस डे टू एंड शेयर यू विद ऑल। टोल्ड मी कि तुमसे तो बात करनी नहीं है मुझे, तुम यही कहती रही, देखो 3 महीने हो गए, बूढ़ा हो गया इंतजार करते करते। मतलब इतने नखरे, मतलब अल्लाह मियाँ शर्मा गए इतने नखरे देख के तो। नहीं, ऐसी बात नहीं है, कुछ दूसरी प्रायर कमिटमेंट्स थी सचमुच में, और बहाने और भी क्या, मैं चाहती केबल नहीं है, तार नहीं है, मतलब घिसे पिटे बहाने बताओ। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल निर्विवाद सत्य है कि आपकी वजह से, आपके डर की वजह से जो मेरे यहाँ केवल ब्रॉडबैंड था वो अब फाइबर में कनेक्ट हो गया है, और अब हम फाइबर के माध्यम से आपके साथ जुड़े हैं, और इसलिए आप मुझे इतनी अच्छे से देख सक रहे हैं, और दुनिया में सब लोग आपके माध्यम से आज हमारी बातचीत और गाना थोड़ा सा गुनगुनाना मतलब सुनेंगे। डर, मतलब मैं बहुत डरपोक हूं या डरावना, डरपोक नहीं डरावना हूं, यानी कि हैं डरावना कहते हैं ना हिंदी में, डरपोक तो जो डरे वो है, जो डराए वो डरावना होता है ना। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मतलब लेकिन मेरी मेरी ये अच्छी वाली रेपुटेशन थी सब बिगाड़ दी, अब सब सोचेंगे कि मैं बड़ा डरावना हूं। आपके माध्यम से और आपकी वजह से, और आपके ये डर ये शब्द मैं ठीक नहीं कहूंगी, लेकिन आपके माध्यम से आज हमारे यहाँ पे हम एक नए फाइबर के माध्यम से आपके साथ जुड़े हैं, तो इसलिए उम्मीद है कि आज हमारा जो कन्वर्सेशन है विदाउट एनी इंटरप्शन इट विल गो ऑन। नहीं बहुत ही खुशी हो रही है। और आपके पिताश्री की पीछे तस्वीर, वो कब की है वो बताओ उसके बारे में, बड़ी मजेदार तस्वीर है। वाह वाह। दिस इज अ वेरी यूनिक फोटोग्राफ विच यू कैन सी हाँ बिहाइंड दिख मी। रही है, दिख रही है। सो कुमार जी वॉज इन हिज फुल 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 स्विंग में गा रहे हैं, यस। एंड हिज अकम्पनिस्ट ऑन तबला वसंत आचरेकर जी, एंड ऑन हारमोनियम बंडुभैया चौगुले जी, बोथ आर अकम्पनिंग हिम, एंड माई मदर वसुंधरा जी, एंड या शी इज ऑन वन तानपुरा एंड अनदर तानपुरा हर हिज ओन अनदर डिसाइपल मीरा राव जी इज देयर। अच्छा सो हाँ, ये एक परफॉर्मेंस है कुमार जी की 50th बर्थ सेलिब्रेशन हुआ था, दिस वाज इन 1974। सो अच्छा इट वाज अ वेरी वेल नोन फोटोग्राफर हु वाज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ कुमार जी कॉल्ड मिस्टर चंदू नाफड़े, ही टुक दिस फोटोग्राफ, एंड दिस वाज कुमार जी यूज्ड टू से दिस इज द बेस्ट फोटोग्राफ ऑफ माय लाइव परफॉर्मेंस। So this is very special for all of us. That's why this is here. मतलब वॉज इट वॉज दी बिकॉज दी फोटोग्राफर एंड कुमार जी बींग फ्रेंड्स, मतलब क्या होता था जी वो जब ट्रिगर के हाथ जाता था तो वुड ही होल्ड द पोज लाइक दिस, या वो या गाते गाते नेचुरली कुमार कैसा जी वाज नॉट अ पार्टनरशिप। पर्सन, नहीं, कुमार जी वाज नॉट अ पर्सन हु कैन गिव पोजेस लाइक दैट एंड मेक अ स्टिल लाइन लाइक दैट। वो तो दिस इज द फोटोग्राफर की कमाल होती थी। अविनाश पसरीजा जी की भी आपने फोटोग्राफ्स देखी होंगी, रघुराय जी की भी फोटोग्राफ्स होंगी, मैजिकल फोटोग्राफ्स दे हैव यू नो क्लिक्ड, एंड चंदू नाफड़े जी वाज आल्सो वन ऑफ देम कि जिन्होंने जिनका क्लिक, इन सब लोगों का क्लिक ही तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उस क्लिक की एग्जैक्टली। बात होती है, उस मोमेंट की बात होती है कि उस समय आप उस मोमेंट पे वहां रहते हैं, और कुमार जी जैसे क्या कहना चाहिए कि इतने स्पॉन्टेनियस म्यूजिशियन को क्लिक करना उतना आसान नहीं है, एंड नेवर बॉदर्ड अबाउट ऑल सच थिंग्स कि कोई मुझे क्लिक कर रहा है, कोई मुझे फोटो निकाल रहा है, मुझे कहाँ देखना है। ही वॉज इन टू हिज म्यूजिक टोटली 100%। सो वो तो मतलब ऑडियंस को भी नहीं देखते थे, वो तो इस तरह के कलाकार थे, फोटोग्राफर को क्या देखेंगे, वो केवल अपने अपने में रहते थे, अपना संगीत हमें सुनाते थे। उनके सामने कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, 10,000 हैं, इसका उन्हें कोई भान उस समय नहीं होता था, क्योंकि वो अपना संगीत हमारे सामने देना चाहते थे 100%।
So this was the very special photograph. It's an iconic photo, absolutely. बहुत और मुझे जो कुमार जी की याद है चंडीगढ़ की है टैगोर थिएटर की आई थिंक आइदर 89 होगा 90 होगा 89 और 92 के बीच में होगा टाइम और बहुत अच्छा प्रोग्राम था विद द डिग्निटी विच ही कैरिड रिमाइंडेड मी ऑफ माय ग्रैंड अंकल भाई अवतार एंड भाई गुरचरण It's a different idea of musicianship. It's not, you can see there is music aur sangeet se kuch aur jyada bhi hai. Sirf sangeet nahi hai. Adhyatam bhi saath mein chalta tha unke. Aur jise kahein, Ustad Fahimuddin Khan sahab ki baat yaad aa rahi ki unke jo father sahab ke jo sanskrit ke jo उस्ताद थे शास्त्री जी तो उस्ताद अलाउद्दीन रहीमुद्दीन खान साहब के पास आते थे तो फहीम साहब बताते थे कि ऐसा लगता था जैसे दो कदमों पे शराफत और इंसानियत इंसानियत चल के आ रही है दैट्स हाउ समहाउ दैट इमेज आई मीन आई डिड नॉट सी दैट शास्त्री जी बट बीइंग रिमाइंडेड ऑफ द वॉक विद द छड़ी इन हिज हैंड्स You know, he had a different sway. We've seen musicians walk, but his walk was of a musician and someone who's more than being a musician. I think वो एक बिल्कुल सही कहा आपने. कुमार जी was a phenomenal musician. इसमें कोई शक नहीं. क्योंकि उनकी शुरू से जर्नी ही कुछ अलग रही है और जिंदगी को देखने का उनका नजरिया बहुत अलग रहा है बिकॉज ही हैज सीन सच अ डार्क फेजेस इन हिज लाइफ ऑल्सो इन अर्ली लाइफ रादर आई मस्ट से सो दैट ऑल इम्पैक्ट वॉज देयर इन हिज म्यूजिक ऑल्सो एंड एज अ पर्सनैलिटी ऑल्सो ही वॉज सच अ जॉयफुल पर्सन एट द सेम टाइम वेरी वेरी डेप्थफुल थिंकर अबाउट म्यूजिक ऑल्सो एंड अबाउट लाइफ ऑल्सो सो इसलिए मुझे लगता है कि वो जो चीज है वो जिसकी आप जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो जो चीज जो हमारे पकड़ में नहीं आती इट्स लाइक मर्क्यूरी है ना तो वो दैट इज समथिंग विच यू कांट होल्ड इन योर हैंड्स बट इट इज देयर सो दैट फिनोमेनो इज देयर विद कुमार जी एंड ही यूज्ड टू गिव यू एक्सपीरियंस ऑफ दैट फिनोमेना ही वाज दैट कैपेबल टू गिव यू दैट दैट फीलिंग दैट एक्सपीरियंस ऐसे है कोई शक नहीं कोई शक नहीं और आई थिंक जो शब्द है जो शब्द के अंदर डुबकी लगाना जानता है ना जिसने गोते खाए हैं उसमें जो हीरे मोती जो चुन सकता है चुग सकता है हंस बन के उनमें से वो थे कि क्योंकि उनके जो खास करके अगर उनका बड़ा ख्याल देखें छोटा ख्याल देखें जो भक्तों के पीरों के गुरुओं के जो पदे हैं उनका देखें दैट्स वन सिमिलैरिटी वॉज इज अटेंडेंस टू द वर्ड उनके पास शब्द कभी अपमानित नहीं हुआ उनके उनकी जुबान पे उनके लबों पे जो शब्द आया उसका जैसे कहें उसको जो इजहार किया उसको जो एक उसकी जो नुमाइश करते थे लगता था कि कोई कोई एक्सेजीट है कोई कथाकार है जो अक्षर की का अर्थ कर रहा है उसका उसका संगीत अनुवाद कर रहा है ये आपने बहुत ठीक बात कही है कुमार जी हमेशा कहा करते थे कि मैं अक्षर को ब्रह्म मानता हूँ वाह अक्षर को ब्रह्म मानता हूँ लेकिन संगीत में अक्षर की कितनी महत्ता है ये मैं जानता हूं लेकिन संगीत में आगे का काम सुरों का है सुर बोलते हैं शब्द तो केवल सहारा है लेकिन शब्द सहारा जरूर है लेकिन वो सुंदर हो सकते हैं और सुंदर क्यों ना हो शब्द सुंदर और क्यों ना हम उन शब्दों की तरफ ध्यान दें और उन शब्दों में जो व्यंजन है जो वॉवल्स हैं उन हमारे संगीत करने की
तो क्यों ना ऐसा किया जाए, क्यों ना अच्छी बंदिशों की तरफ रुख किया जाए, उनके शब्दों को, उनके अर्थों को समझ के गाया जाए। तो ये इस तरह से कुमार जी का एक विचार शब्दों को लेकर रहा है। और जैसे भी आपने कहा, एज आई सेड, कुमार जी कंपोज हिज फर्स्ट कॉम्पोजिशन व्हेन ही वाज ओनली 11 इयर्स ओल्ड। क्या बात। जी हाँ, वो बंबई में अपने गुरु प्रोफेसर बी आर देवधर के यहाँ रहते थे, और जब वो वहाँ गए, सो ही वॉज अ चाइल्ड प्रोडिजी एज एवरीबडी नोज, मोस्ट ऑफ द पीपल नोज। सो ही कंपोज फर्स्ट कॉम्पोजिशन इन राग भीमपला, जिसका मैंने अभी आपको थोड़े से आलाप शुरुआत में सुना। जी, तो दैट वॉज भीमपला सी आलाप जो मैंने अभी आपके सामने गुनगुनाया। कंपोजिशन याद है तुम्हें कैसी? व्हाट वाज द कंपोजिशन? कुड यू लर्न फ्रॉम हिम? जी बिल्कुल, मैंने उनके उनसे सीखी है। और कैसे जाती है मंजरी जी ने नमस्कार और प्यार भेजा है, वो कह रहे हैं कि वाह कलापनी जी, आपने तो आरंभ में ही भीम पलासी की मिठास से आरंभ से ही भीम पलासी की मिठास ने माहौल महका दिया। क्या बात है, थैंक यू सो मच मंजरी जी। सुनंदा शर्मा कोई है, आपसे बहुत नफरत करती है शायद, इसलिए वो कह रहे हैं कि पर इस बार उन्होंने नमस्कार बलदीप जी, ठीक है सुनंदा, यू डिड वेल, पहले मेरे को नमस्कार हुई है, फिर कल आपने को हुई है, अब तरतीब ठीक है, नहीं तो वो पहले ना तुम्हें करती, मैं बड़ा लड़ा हूं, आई थिंक 5-6 बार लड़ा हूं, अब तरतीब ठीक हुई है। आप हमारी लड़ाई करवा के छोड़ेंगे ऐसे मुझे लग रहा है। अरे अभी तो सुनंदा मैं तुमसे वाकिफ हो रही हूँ, और मैं कहती हूँ कि इस आदमी पे भरोसा मत करना। अरे सुनंदा, और तुम्हारी कराऊंगा, तुम्हारी भुवनेश की कराऊंगा, अरे लड़ाइयां तो मैं कराने में मशहूर हूँ। मैं थोड़ा वापस गंभीर हो जाती हूँ। हाँ, वो कह रही है सुनंदा, कह रही है कि क्या बात इस महान स्मरण की, हम कुमार जी की बात कर रहे हैं, सो आई थॉट आई मस्ट फिनिश हर, आई मीन शेयर विद यू व्हाट शी इज जस्ट रिटन। अब वो हंस भी रही है, अरे हम रुला रहे हैं, वो हंस रही है, बैठी हा 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 कर रही है। तो अक्षर के जो बोल, टू कम बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग, आई मीन व्हाट यू वर शेयरिंग विद अस, वो जो कंपोजिशन किया था, क्या उन्होंने संगीत निबद्ध किया था, शब्द पुराने थे या शब्द भी उन्होंने आप लिखे थे? उनके स्वयं के शब्द थे। अरे वाह, उनका स्वयं, हाँ, तो वो उनकी एक भावना थी, तो मैं आपको बताती हूँ, आपको सुन के आनंद आएगा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि एक 11 वर्ष का बालक ही मैं कहूंगी, सच अ चाइल्ड, आई मीन इट्स रियली अमेजिंग दैट ही कंपोज सच अ वंडरफुल कॉम्पोजिशन विद अ फुल ऑफ भीम पलास। जग में तुम बिना कौन, इस जग में तुम बिना कौन, तुम गुरुदेव मैं चेला, दिस वॉज द स्थाई। इस जग में तुम बिना कौन, तुम गुरुदेव मैं चेला। ये तो हो गई स्थाई। अब अंतरे में क्या कहते हैं कुमार जी? गुण के सारे गए तुम में, गुण के
गुण के सागर तुम हो मेरे, गुणिनायक ध्यान करत करत तुम गुरुदेव में चला। देखिए एक बात मैं आपको लगे हाथों यहाँ बता देती हूँ। क्या हुआ? गुणिनायक जो इसमें शब्द आया है, गुण के सागर तुम हो मेरे गुणिनायक ध्यान करत करत तुम गुरुदेव मैं चेला। तो गुणिनायक यह केवल एक बार कुमार जी ने अपने जीवन में अपने खुद के लिए नाम किया है बंदिश के लिए। तो दिस वॉज द फर्स्ट टाइम एंड आई थिंक द लास्ट टाइम इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गुणिनायक वॉज द नेम उन्होंने बंदिश में बंदिशकार के रूप में लिया है। इसके अलावा भविष्य में जब भी उन्होंने कंपोज की बंदिशें, हर बार उन्होंने अपना नाम शोक लिया है। शोक वॉज द हिज म्यूजिकल दिस थिंग, एक पोएटिक नेम जिसको अपन कह सकते हैं। उसका कारण बताया उन्होंने कि शोक क्यों इस्तेमाल किया उन्होंने? कभी खुल के तो नहीं बताया। अच्छा। खुल के तो नहीं बताया, लेकिन देखिए ये समझने वाली बात है भाई, समझने वाली बात है। कुमार जी ने बहुत जल्दी अपनी संगीत म्यूजिकल जर्नी शुरू की, संगीत यात्रा शुरू की एट द एज ऑफ 9, एंड एट द एज ऑफ 10 ही वॉज नोन टू द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक एवरीवेयर इन ऑल ओवर इंडिया। एंड उस समय का सखर पाकिस्तान का सखर एंड लाहौर एंड कराची एंड हैदराबाद सिंध में बहुत कुमार जी जाया करते थे। आई मीन ही यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट इन ऑल दीज प्लेसेस व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, ही वाज अ चाइल्ड प्रोडिजी विद हिज फादर। माय दादाजी यूज्ड टू अकंपनी हिम एंड यूज्ड टू टेक हिम टू ऑल दीज प्लेसेस इंक्लूडिंग इलाहाबाद एंड कोलकाता दैट टाइम। एंड कोलकाता एंड इलाहाबाद में तब बहुत बड़ी बड़ी म्यूजिक कॉन्फ्रेंसेस हुआ करती थी, and he used to get the invitation to perform in Hyderabad, Lahore and Karachi and everywhere. So unhone bahut jaldi ek tarah se sangeet jagat se wo rubaru hue aur log unse rubaru hue, unke sangeet ka aanand lene lage, but unke bahut early young age mein unko tuberculosis ki bimari ho gayi thi when he was in Bombay, and lung tuberculosis, and that's why he shifted to Devas from Bombay. Basically, he was a Kannadiga person, Karnataka ke the, aap jante hain. Phir Bombay mein ka sara shikshan hua, apne guru ke paas mein. Varshon tak, balki 12-14 varsh apne guru ke graham mein rahe. And thereof, after this ill health, doctor suggested him to come to Devas. Or go to Devas, rather I must say, which was a very very dry place, dry climate place. तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतनी परेशानियाँ शुरू में ही झेल ली थी, and उनको लगभग 6 सालों तक गाने की तो total मनाही थी ही, वो तो हिल भी नहीं पाते थे। It was, I mean, हम अब आज के lockdown के बारे में बात करते हैं, महीने दो महीने के lockdown में हम सब लोग हालत खराब हो गई है हमारी सबकी, और हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम कहाँ जाएं, क्या करें, किस तरह से मैनेज करें। बट कुमार जी वॉज द पर्सन हु स्पेंड 6 ईयर्स ऑन बेड विदाउट सिंगिंग, एंड सो इट वॉज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम आई मस्ट से। एंड उनकी थिंकिंग प्रोसेस, लेकिन क्या मतलब कहें, मतलब जैसे मैंने कहा कि ही वॉज अ फिनोमिनल म्यूजिशियन, इस अर्थों में भी कि उस समय भी उनकी थिंकिंग प्रोसेस लगातार जारी रही, और वो इतना कुछ देख चुके थे अपनी जिंदगी में कि मतलब जो कबीर का भजन है ना, माया महाठगनी हम जानी, वो मुझे लगता है, मतलब हम इस विषय पे बाद में आएंगे, इट्स टू अर्ली टू डिस्कस दैट भजन नाउ, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू इन दिस कॉन्टेक्स्ट
बाया महाठगनी हम जानी, वो दुनिया कैसी ठगनी है ये उनको पता चल गया था, पता चल रहा था कि कैसे 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 रूप उनके सामने जिंदगी के दिख रहे थे। एंड इट वाज क्या समय रहा होगा वो, कि उन्होंने अपने आप को किस तरह से समेट के रखा होगा, अपने संगीत को बचाए रखा होगा, और अपनी अपनी विल पावर को बनाए रखना ऐसे समय में इतना आसान नहीं है। हम 4-5 महीने हो चुके हैं, सभी आर्टिस्ट लोग आज बहुत परेशानी में हैं, बहुत दुविधा में हैं, आगे कैसे होगा, क्या रूप लेगा ये कोविड-19, किस तरह से हम आगे मूव करेंगे, नहीं करेंगे, हमारे सामने और क्या चैलेंजेस रहेंगे, वी डोंट इवन नो एट ऑल, बिकॉज एब्सोल्युटली एवरीथिंग इज इन ब्लर, वी डोंट नो व्हाट टू डू नाउ एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द फ्यूचर। दो वी शुड बी पॉजिटिव, वी शुड थिंक पॉजिटिव, बट एट द सेम टाइम समवेयर इन द बॉटम ऑफ आवर हार्ट वी आर रियली वेरी 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 कॉशियस एंड वेरी वेरी स्केयर्ड फॉर द फ्यूचर, कि क्या होगा हमारा। कैन यू इमेजिन कुमार जी स्पेंड 6 years लाइक दिस, ही वॉज नॉट नोइंग हिम अबाउट हिमसेल्फ कि मेरा क्या होगा आगे। एक बात जरूर है, वो मेरी बड़ी माँ से हमेशा कहते थे कि तुम डरो मत, मैं गाए बगैर मरूंगा नहीं। आई मीन वो उसको जिसे हम हिंदी में कहते हैं ना कि जिजीविषा, जीने की शक्ति, जीने की तमन्ना, द विल पावर, सच अ स्ट्रांग विल पावर। मैं क्या बताऊं आपको, मैं आज खुद भी बहुत कई बार निराश हो जाती हूँ इस सब माहौल को देखते हुए। एक कलाकार के रूप में जीना इतना आसान नहीं है भाई जी, आप भी जानते हैं, और वर्ल्ड वाइड एवरीबडी नोज टू बीइंग अ फ्रीलांसर आर्टिस्ट इट्स नॉट इजी थिंग, नॉट एट ऑल इजी। क्या आप समझ सकते हैं इन अ प्लेस लाइक देवास विच इज कट ऑफ फ्रॉम द ऑल मेन सिटीज इन 1948 व्हेन ही शिफ्टेड हियर, देयर वाज नो रेलवेज, नो प्लेन, नो फ्लाइट्स, नथिंग, इट वाज सच अ स्मॉल स्मॉल टाउन, इट्स सच अ स्मॉल टाउन। माय मदर, मेरी बड़ी माँ जो थी वो यहाँ पर हेडमिस्ट्रेस बन के आई थी, शी वॉज हेडमिस्ट्रेस हियर, एंड मेरे पिताजी एक बीमार व्यक्ति के रूप में यहाँ आए थे, और क्या क्या नहीं उन्होंने सहा होगा, क्या 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 नहीं देखा होगा उन्होंने। आज हम मैं खुद भी अपने आप को, मतलब मैं सोचती हूँ कि मैं क्यों निराश हो जाती हूँ, जब मैं अपने पिताजी की तरफ देखती हूँ तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा उदाहरण मुझे और क्या मिलेगा। लेकिन मैं इंसान हूँ, मैं कुमार गंधर्व नहीं हूँ, और मैं बहुत अदनी हूँ अपने आप को, बहुत एक नाखून के बराबर भी नहीं समझती उनके सामने, और इसलिए मैं आपसे ये शेयर करना उचित समझती हूँ आज सबके सामने आपके माध्यम से। बहुत निराशा होती है, ऐसी बात नहीं है, निराशा नहीं होती है, मैं नहीं कहूँगी, लेकिन एट द सेम टाइम मैं इसी समय कुमार जी के सुर जब सुनती हूँ तो मेरे में एक अद्भुत आनंद का संचार होता है, एक वापस जीने की तमन्ना जगती है, वापस इच्छा होती कि नहीं हमें निराश नहीं होना है, हमें आगे सोचना है। तो ये सुर की ताकत है, ये कुमार जी की ताकत है, ये एक्सट्रीमली फिनोमिनल म्यूजिशियन की ये पावर है, उनकी उनके स्वर की पावर है जो आज हमें अभी भी पॉजिटिव बनाए रखती है। सो दिस इज द इस जगह में तुम बिन कौन, गुण के सागर तुम हो मेरे, गुनी नायक ध्यान करत करत तुम गुरुदेव मैं चेला, इस जगह में तुम बिन कौन। क्या बात, वाह वाह क्या बात है, क्या बात है। कैसे कैसे बड़े हुए हैं हमारे वतन में, और हम शुक्राना भी अगर करना चाहें तो कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें। वैसे दुनिया देखते हैं तो लिफाफेबाजी भी दिखती है बहुत, मैकेनिकी दिखती है, अक्स जो है, इतर जो है, फ्रेग्रेंस जो है, वो हर फूल में नहीं हुआ करती। रंग तो होते हैं, देखने में भी बड़े अच्छे होते हैं, और उसमें से फ्रेग्रेंस जो है, खुशबू हर फूल में नहीं होती, कुछ फूलों में खुशबू भी खास होती है और उनमें रस भी कुछ खास होता है।
और कुछ ऐसे होते हैं जो जो दवा और दारू भी होते हैं, के खुशबू के साथ, रंग के साथ, इतर के साथ, यानी जो अक्स है उन अद्भुत करिश्मों में से वो थे एक, इसमें तो कोई दो राय नहीं। वी आर सो ग्रेटफुल फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन एंड हिज इंसाइट्स, यही म्यूजिकल पर मैं इंसाइट्स। एक बात मैं आपके साथ में अभी एक शेयर करना चाहती हूँ, साझा करना चाहती हूँ। आपने फूल का जिक्र किया, खुशबू के फूल, खुशबू जिन फूलों में खुशबू होती है उनका आपने जिक्र किया कि फूलों की खुशबू अलग-अलग होती है और कुछ फूलों की खुशबू ज्यादा होती है, स्वाभाविक है, उनका अपना अपना स्वभाव होता है। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, कुछ फूल ऐसे होते हैं भाई जी कि जो सूखने के बाद भी खुशबू देते हैं। डू यू नो दैट देर इज अ फ्लावर जिसको हम अनंत का फूल कहते हैं, देर इज अनदर फ्लावर जिसको मौलश्री, मौलश्री का पेड़ होता है, मोरसली जिसको कहते हैं, वेरी स्मॉल फ्लावर्स, वेरी स्मॉल फ्लावर्स, बहुत छोटे होते हैं। उन फूलों को यदि आप सुखाएंगे या सूख किने के बाद भी आप लेके आएंगे तो आपका घर महकेगा। सेम इज विथ अनंत। अनंत का फूल मैं आपको बताऊं, मेरे अभी भी डायरी में रखा हुआ है, अच्छा। मेरी डायरी महकती है उन फूलों की खुशबू से। वो सूखा हुआ फूल है, वो मोस्टली के फूल, वो सूखे हुए फूल हैं, लेकिन वो आपको अभी भी खुशबू देते हैं उनके सूखने के बाद भी। तो ये कुछ कुछ फूलों की बात होती है। कुछ फूल तो उभरते हैं और शाम को खत्म हो जाते हैं, उनकी सुगंध कहाँ जाती है हमें पता नहीं लगता। कुछ फूल पेड़ से उतरने के बाद में मुरझा जाते हैं, लेकिन कुछ फूल ऐसे होते हैं जो सूखने के बाद भी खुशबू देते हैं। पानी भी बहुत कम होते हैं जो बासे नहीं होते। क्या बात है और उनकी मतलब एक एक तो सांझी है ना, कि जब हम बड़े जो पिछली पीढ़ी बहुत बड़ी हो उनके छोटे होना बहुत मुश्किल होता है, जी जी क्योंकि पैमाने वो बन जाते हैं। जैसे अगर मैं, जिन्होंने मेरे पड़चाचा को सुना, मेरे दादा को सुना, मेरे दादा भाइयों को सुना, वो मुझे मतलब हाँ बेटा बरखुरदार ठीक है, हाँ आ जाओ बैठो, क्योंकि वो एक पैमाना बड़ा होता है। तो मैं जानता हूँ कि वो एक मुसीबत, मीठी मुसीबत है, कड़वी नहीं है। ऐसी तो मुबारक वाली मुसीबत है कि ऐसे पैमाने बड़े हों तो मज़ा भी आता है, चाहे हम चूक जाएं छलांग लगाने पे, पर हम क्योंकि जानते हैं कि कम से कम अंगूर खट्टे नहीं, चाहे हाथ में ना आ पाए, हम जानते हैं कि अंगूर जो बड़े हैं, जो दिग्गज पेड़ हैं, उन पे जो फल लगे हैं वो वाकई फल हैं। सो ये तो हमें, यानी कि उसका एक श्राप और वरदान जो कहूँ, मीठा मीठा श्राप यूं है कि तुलना भी हो तो कैसों से तुलना हो, हाँ छोटों से तुलना हो तो काहे की तुलना है। पर हाँ कि अगर शिखर सामने ऐसे हैं कि छलांग लगाने में भी मजा आवे है, और ऐसी ऊंचाई को हाथ छोते छोते गिर भी जाएं, कोई ठोड़ जैसे कहें बच भी जाए, ठोकर लग जाए, मुबारक है, कोई ऐसी बात नहीं। पर हाउ इज इट फॉर यू, हाउ हैज इट बीन फॉर यू टू बी द डॉटर एंड देन टू बी द डिसाइपल, बिकॉज एक उनकी ट्रैवल जो मुझे भी जितना पड़ा कि ट्रैवल बड़ा होता है बड़ों का, एंड वी डोंट चेज देम व्हेन वी आर यंग, वी आर स्टडीइंग एंड सो ऑन सो फोर्थ, सो अदर पीपल गेट एन एडवांटेज ऑफ एक्सेस, वी ओनली गेट जी एक्सेस व्हेन दे आर होम और यू नो कभी कभार घर में मिल गए, तो इस तरह। सो मुश्किलें कई किस्म की हैं। एक तो तुलना की एक मुश्किल है कि उसको कैसे झेलें उस तुलना को। दूसरा, इल्म हासिल करना जब बहुत लंबा अरसा जो है वो कॉन्सर्ट्स के ऊपर रहना, टूर पे रहना, आना जाना स्पोरैडिक होती है शिक्षा,
जैसे आजकल हमारे सिग्नल होते हैं वाईफाई वगैरह के, कभी आए कभी ना आए. तो हाउ इज बीन योर एक्सपीरियंस? वुड यू लाइक टू शेड सम लाइट ऑन अस? व्हाट हैज बीन लाइक टू बी द डॉटर ऑफ अ डोटिंग डैड बट ए बिग डैड? मैं घर में सबसे छोटी हूँ. आई हैव टू एल्डर ब्रदर्स. एल्डेस्ट वन मुकुल जी, एंड देन देर इज वन मोर यशोवर्धन, और मैं सबसे छोटी हूँ. तो बीइंग अ यंगेस्ट वन, मेरा समय शुरू में स्वाभाविक के खेलने में ही जाता था. और मैंने बचपन से कुमार जी को हमेशा तानपुरों के बीच ही देखा है, जब भी देखा है वो. लेकिन आपने जो जिक्र किया वो बिल्कुल सही है. ये इतना आसान नहीं है अपने पिता को एक दूसरे रूप में समझना और पचा पाना. बिकॉज वेन यू आर वेरी यंग, वेन यू आर अ चाइल्ड, इट्स नॉट योर योर रेंज टू अंडरस्टैंड ऑल सच थिंग्स. बिकॉज यू हैव अ डिफरेंट सिनेरियो इन फ्रंट ऑफ यू. यू वॉन्ट टू डू समथिंग वेरी सिली थिंग्स. फॉर देम इट्स वेरी सिली, बट फॉर यू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम. एंड दे आर नॉट कंसर्न अबाउट योर ऑल सिली थिंग्स बिकॉज दे आर इन देयर ओन वर्ल्ड. They don't want to, you know, look at you in a in a in your own level, because they are very very happy and they are very much into their own world of music. So for me, it was really really very difficult as a child to understand my father. ये मैं बिल्कुल बिल्कुल आपको तहे दिल से कहना चाहती हूँ. और चूंकि कुमार जी ऐसे कलाकारों में, ऐसे संगीतकारों में नहीं थे कि सुबह कुछ रियाज किया, घंटा एक दो घंटा की रियाज किया, या शाम को एक आध घंटा रियाज किया, दो घंटा रियाज किया, अपने कमरे में बंद होके रियाज किया. ऐसे कुछ कुछ उदाहरण सुनने में आते हैं कि यू जस्ट क्लोज द डोर एंड डू योर रियाज एंड रेस्ट ऑफ द हाउस इज इन अनदर स्पेस. सो इट वॉज नॉट लाइक, कुमार जी वॉज नॉट लाइक दिस. जो होता था सबके सामने होता था, और नहीं होता था वो नहीं होता था, सबके बीच होता था. जो होता था वो सबके बीच होता था. और इस वजह से कोई सुबह का समय है या दोपहर का समय है, शाम का समय है, कि केवल उसी समय वो केवल संगीत के साथ जुड़े हैं, बाकी के समय संगीत के साथ नहीं जुड़े, ऐसा कभी नहीं हुआ. वो हमेशा केवल केवल संगीत से ही जुड़े रहते हैं. उनके कमरे में पढ़ते भी रहते थे, बागीचे में काम करते भी रहते थे, टेबल पर बैठकर कुछ दूसरी चीजें भी करते रहते थे, लेकिन उनके मानस में हमेशा हमेशा संगीत चलता रहता था. और ये हमको समझ में आता था कि भाई कुछ चल रहा है, वो कुछ सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं. हमें कभी हिम्मत नहीं हुई शुरू से कि हम जाके उनको बीच में टोके. कभी नहीं, कभी नहीं. दैट वॉज द, क्योंकि बिकॉज आई सेड कि आई एम द यंगेस्ट वन. मैं देखती थी मुकुल दादा कभी उनको डिस्टर्ब नहीं करता था ऐसे समय में. दूसरे भी कोई शिष्य लोग रहते थे, या मेरी माँ भी रहती थी, वो कुछ कर रहे हैं उनके कमरे में है या नहीं भी है, झूले पे बैठे हुए हैं, बागीचे में काम कर रहे हैं, एवरीबडी यूज्ड टू नो दैट समथिंग इज गोइंग ऑन. सो वी शुड नॉट डिस्टर्ब हिम. सो दैट वॉज द होल होल एटमोसफियर एट होम कि तानपुरे बज रहे हैं. और हाँ, एक और बात मैं आपको इंटरेस्टिंग बताती हूँ. अभी हमारे पास में तो सेलफोन्स हैं एंड ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर हियर फॉर द तानपुरा. इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा एंड ऑल सच थिंग्स आर हियर. वी कैन कैरी अवर तानपुराज, आई मीन इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स विद अस एंड ऑल दैट. बट दोज डेज उनका फेरोग्राफ पुराना मशीन था उनके पास में, एंड ही रिकॉर्डेड स्पूल, तानपुराज ऑन स्पूल, स्पूल रिकॉर्डर.
तानपुरा उन्होंने स्पूक रिकॉर्डर पे रिकॉर्ड किया हुआ था. एंड दैट वाज आल्सो एन इंटरेस्टिंग थिंग आई मस्ट टेल यू. चूंकि दिन में आवाजें आ सकती थी, हम बच्चों की गड़बड़ रहती थी, खेलना कूदना कुछ भी आवाजें, कोई आना जाना, ये वो ऑल सच थिंग्स वर गोइंग ऑन. सो वंस द वेरी फेमस म्यूजिशियन पंडित वसंतराव देशपांडे जी केम टू देवास. व्हाट अ फैंटास्टिक विजिट. यस, ही यूज्ड टू कम टू आवर प्लेस रेगुलरली. आई मीन क्वाइट ऑफन ही यूज्ड टू कम, बिकॉज़ कुमार जी से बहुत उनका मित्र भाव था. कुमार जी को अपना गुरुतुल्य मित्र मानते थे. सो वो एक बार आए थे एंड कुमार जी ने उनसे कहा कि चलो हम तानपुरा रिकॉर्ड करते हैं. सो रात को 1 बजे से लेके तो रात को 3-3:30 बजे तक तानपुरे मिलाए गए और एक तानपुरा कुमार जी ने बजाया, एक तानपुरा पंडित वसंतराव देशपांडे जी ने बजाया. एंड दे बोथ प्लेड तानपुरा, क्योंकि कुमार जी चाहते थे कि वो इक्वल प्रेशर से तानपुरा परफेक्ट बजे. ऐसे नहीं, सिर्फ तानपुरा बजाना बहुत मुश्किल काम है, ये इतना आसान नहीं कि केवल 4 स्ट्रिंग्स है वो तंतर 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 बजा दिया. घसीटते रहो उनको. उसका एक रिदम है, उसका एक डिफरेंट प्रेशर है, उंगलियों को कितने प्रेशर से कितना प्रेशर देना कि तार गूंजने लगे, तार बेसुर ना हो, तार हिल ना जाए. ये बहुत अलग टेक्निक है जो कुमार जी तो खैर इसमें मतलब बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहे हैं, बहुत माहिर रहे हैं तानपुरा और तानपुरे को मिलाना किस तरह से, तानपुरा बजाना कैसे, बहुत ज्यादा सेंसिटिव मतलब रहे हैं अपने तानपुरों को लेकर कुमार जी ताजिंदगी. सो उस समय वसंतराव जी ने और कुमार जी ने दोनों ने बारी बारी से वो तानपुरे रात को बजाया, उसको फेरोग्राफ मशीन पर स्पूल पर रिकॉर्ड किया. एंड जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये फोटोग्राफ जिन्होंने निकाली है मेरे पीछे की कुमार जी की, मैंने आपको बताया चंदू नाफड़े जी, वॉज अ वेरी वेल नोन इंटीरियर डिजाइनर ए फोटोग्राफर फ्रॉम इंदौर एंड वॉज अ वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ कुमार जी. सो ही बिकॉज ही वॉज अ इंटीरियर डिजाइनर ऑल्सो, सो कुमार जी ने तानपुरे वगैरह रिकॉर्ड किया और उनको कहा कि भाई मुझे तुम एक बड़ा स्पीकर बना के दो. अच्छा. हाँ, सो दैट स्पीकर वाज अ 5 feet हाइट स्पीकर एंड इट वाज अ मूविंग रोलर्स विद दैट एंड इट वाज अ ह्यूज लॉन्ग वायर द स्पीकर. एंड उसमें उन्होंने कुमार जी ने ऐसी व्यवस्था की थी कि उस तानपुरे की रिकॉर्ड उस स्पीकर जब वो बजे तो वो स्पीकर ऑल ओवर द हाउस, ही कैन मूव दैट स्पीकर. व्हेनेवर ही यूज्ड टू हैव सम वर्क इन बागीचा, तो बागीचे में वो काम करते रहते थे, पानी बागीचे में पेड़ों को देना है या और भी कुछ पौधे लगाना है जो भी कुछ, बट दैट स्पीकर यूज्ड टू ट्रैवल विद हिम इन हिज वरांडा. सो दैट जब वो बागीचे में काम भी कर रहे हैं तो स्पीकर पे तानपुरा बज रहा है. यू नो तानपुरे के प्रति वो इतने ज्यादा मतलब क्या कहूं मैं इतना प्यार था उनको तानपुरे और तानपुरे के सुर को लेके. और वो मैंने इसीलिए मैंने कहा कि वो दूसरा कुछ भी काम करते थे तो वो तानपुरा और संगीत ये इनसे कभी उन्होंने अपने आप को अलग नहीं किया. और जो आपने सवाल किया मैं थोड़ा सा भटक गई हूँ, जवाब नहीं, 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 बड़ी मजेदार कहानी बताइए. पर वो ऐसे ऐसे समय में मैं यदि पली बड़ी हूँ, मैंने अपना बचपन यदि गुजारा है तो स्वाभाविक है मुझे एक वो अपने पिता, मुझे लंबे समय तक अपने पिता लगे ही नहीं. मतलब क्योंकि मैं स्कूल जाती थी, मैं दूसरे अपने साथी सहेलियों के और मित्रों के बारे में उनसे बात करती थी, उनके माता पिता के बारे में, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि मेरे पिता कैसे हैं. ये तो कभी ऑफिस जाते नहीं हैं, उनके सबके माता पिता ऑफिस जाते हैं, वो ये करते हैं, वो करते हैं, वो फला है, वो प्रोफेसर है, वो टीचर है, वो ये है, वो वो है. तो मेरे पिता तो कहीं ऑफिस नहीं जाते, जब जाते हैं तो एकदम ही 10-10, 15-15 दिनों के लिए बाहर जाते हैं. तो मुझे स्वाभाविक के एज ए चाइल्ड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू यू नो कोप अप विद दैट दैट
उस कुमार जी से मुझे साबका होने में जरा समय लगा उसको उन कुमार जी को समझने के लिए। आई थिंक मेरे ख्याल से बहुत नेचुरल मैं समझती हूँ इस बात को। इस पूरे दौर में मैं ये कहूंगी कि मेरी माँ वसुंधरा जी का बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत बड़ा रोल रहा है। उन्होंने हमें समझाया, मेरे बड़े भाई को भी और मुझे भी, कि हमारे पिता क्या है। एक्चुअली वो मेरी पहली गुरु है, वो मेरी पहली गुरु है। एक माँ पहली गुरु होती ही है, वैसे हर एक की पहली गुरु माँ ही होती है, पिता तो बाद में आते हैं, लेकिन माँ पहली गुरु होती है। और मेरी वो बहुत अर्थों में वो पहली गुरु है, क्योंकि उसने मुझे अपने पिता से मिलवाया, वाह उसने मुझे बताया कि मेरे पिता क्या हैं, उसने मुझे बताया कि क्यों उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना है, उन्होंने उन्होंने मुझे बताया कि वो क्या कर सकते हैं, वो क्या कर रहे हैं, तुम्हें किस तरह से उनको केवल देखना है, सुनना है, पीछे से अभी उनको तकलीफ नहीं देनी है, वो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज कर रहे हैं शायद। तो बचपन में ये आपको नहीं समझ में आता जी, और क्यों आएगा समझ में, वो हमारी उम्र थोड़ी होती है ये सब समझने की। और एक बात मैं आपको बताऊं कि उसके ऐसा समझाने के बाद में हमारी किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कुमार जी को जाके डिस्टर्ब करें, क्योंकि हमें इतना समझ में आ रहा था कि ये जो कुछ चल रहा है ये कुछ अलग है मामला, ये नॉर्मल मामला नहीं है, ये नॉर्मल पिता वाला मामला नहीं, ये कुछ अलग मामला है। और इसलिए हम उनको थोड़ा सा ऑ में ही देखते थे शुरू से, और इसलिए भी मेरे लिए वो एक एक दूरी बनी हुई थी मेरे पिता से, मेरी शुरू से दूरी बनी हुई थी। मैंने कभी उनको अपने बहुत करीब नहीं पाया, सच में कहूँ तो शुरू में। धीरे धीरे जैसे मैं थोड़ी उम्र में बड़ी होती गई, मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि वो क्या है, वो उनके पास कैसे कैसे बड़े बड़े लोग मिलने आते हैं, बातचीत होती है, किस तरह से घर में संगीत चल रहा है, किस तरह से सिखाना चल रहा है, किस तरह से उनका रामचरितमानस का अभ्यास चल रहा है, विनय पत्रिका का अभ्यास चल रहा है, सूरदास की पदावली कैसे पढ़ रहे हैं वो उसी टाइम पर मीराबाई को भी कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे कबीर के बारे में बातचीत हो रही है, कैसे ले कार्बूजिए के बारे में भी बात हो रही है, कैसे माधव आजकल जैसे बड़े बड़े आर्किटेक्ट आके उनसे चर्चा कर रहे हैं, इस तरह की सारी चीजें, कैसे बड़े बड़े साहित्यिक और कवि लोग आ रहे हैं, उनके मित्र लोग आ रहे हैं, कैसे चित्रकार लोग आ रहे हैं, तो ये सब साइमल्टेनियसली चल रहा था। बड़े बड़े संगीतकार आ रहे हैं, मुझे बचपन में याद है एक दिन मैं ऐसे सो के उठी तो मुझे याद है कि हमारे बाहर के हॉल में पंडित रविशंकर जी रात को 3 बजे सितार बजा रहे थे, अलारखा खां साहब बैठे हुए थे और हमारी माँ उनको खाना खिला रही थी ले जाकर, क्योंकि वो प्रोग्राम करके आए हुए थे और उसके बाद में उनको कहीं 4 बजे आगे निकलना था, तो रात को 3 बजे कुछ बजा के, कुछ गा के, घर पे भी गा के और फिर खाना वाना खा के। तो इस तरह के बहुत सीन मैंने अपने बचपन से देखे हुए हैं, और ये सब देखते देखते मैं जब बड़ी हुई हूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उनसे किस तरह से संवाद करूं। हाउ आई एम गोइंग टू हैव अ डायलॉग विद माई फादर, आई डोंट नो, आई डिडंट नो एट ऑल, बिकॉज इट वॉज अ डिफिकल्ट टाइम फॉर मी टू अंडरस्टैंड फुल्ली कि हाउ टू हैव अ डायलॉग विद माई फादर, बिकॉज बुकुल दादा जो मेरा बड़ा भाई है वो मुझसे उम्र में काफी बड़ा है, और वो गाता था उस समय भी जब मैं बहुत छोटी थी, तभी से मैंने देखा है उसको कि वो गा रहा था, वो सीख रहा था, वो रियाज कर रहा था, घंटों रियाज करता था वो ऊपर के कमरे में बैठ कर। सुबह उठ के देखा तो मेरी माँ एक दूसरे कमरे में रियाज कर रही है, पिताजी कहीं बाहर गए हुए हैं प्रोग्राम के लिए, और कई कई बार तो ऐसा होता था कि वो इतने लंबे समय के लिए जाते थे कि मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं हाउ टू कम्युनिकेट विथ हिम। सो मैं मुझे याद है कि मैंने एक बार अपनी माँ से कहा था कि मुझे बाबा भूल तो नहीं गए। क्या बात, दैट्स सो स्वीट. तो मेरी माँ ने कहा कि ही इज इन बॉम्बे, सो व्हाई डोंट यू राइट अ लेटर टू हिम, बिकॉज़ दोस डेज इवन फोन वाज अ वेरी 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 स्पेशल थिंग, या यू हैव टू बुक अ कॉल
एंड समटाइम यू नो नॉर्मल कॉल टेक्स सो मच टाइम एंड देन यू हैव टू बुक अर्जेंट कॉल्स, देन वो कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लेके फिर तो इमीडिएट कुछ आधे घंटे में कॉल लग जाता था एंड ऑल दैट, दैट इज ऑल्सो अर्जेंट थिंग. सो माई मदर वॉज लिटल रिलक्टेंट टू कॉल कुमार जी, क्योंकि पता नहीं वो क्या काम कर रहे होंगे, कहाँ होंगे, बिकॉज हमें कुछ मालूम नहीं होता था कि वो अभी प्रोग्राम में है या नहीं है ऑल दैट. अभी तो हम मोबाइल से फटाफट पता लगा लेते हैं कि क्या चल रहा है, उस समय तो ये कुछ नहीं था. सो आई रोट अ लेटर टू हिम कि बाबा आपको याद है कि मैं घर पर हूँ क्या और मैं स्कूल जा रही हूँ, मैं स्कूल जा रही हूँ. दैट वॉज इन मराठी, आई हैव दैट बिकॉज कुमार जी ने वो किताब मेरा लेटर संभाल के रखा था एंड अच्छा. वो जब लौट के आए तो वो लेटर मेरी माँ को दिखाया कि देखो तो मुझे बेटू ने लेटर लिखा है एंड आई स्टिल हैव दैट लेटर विद मी. दैट्स दैट्स माय वो मेरी मेरी धरोहर है, मेरी जिंदगी की धरोहर वो चिट्ठी जो मैंने कुमार जी को लिखी थी व्हेन ही वाज इन बॉम्बे. और मैंने उनको लिखा था कि क्या आप मुझे भूल तो नहीं गए कि मैं घर पर हूँ और मैं स्कूल जा रही हूँ और मेरी अब एग्जाम का टाइम आ गया है और मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी वापस घर आ जाइए. हमारा हमारे घर का डॉगी आपको जो उसका नाम धर्मा था वो भी आपको बहुत याद कर रहा है. मराठी में सुनाओ ना कैसे. Say that in Marathi. Can we hear the Shruti? सुनाओ ना कैसे कैसे लिखा मराठी में, अक्षर याद है? मैंने मराठी में उनको लिखा था कि बाबा मला तुमची खूप आठवण येते आणि तुम्ही कुठे आहात, मी देवासला आहे आणि मी घरी तुमची वाट बघते, म्हणजे मैं आपका इंतजार कर रही हूँ घर, तुम्ही लवकर घरी परत या, प्लीज कम सून एज अर्ली एज पॉसिबल. आणि तुम्हाला माहिती आहे की मी शाळेत जाते, माझी परीक्षा आहे, तुम्ही लवकर या, तुमचा लवकर कार्यक्रम होऊ देत आणि तुम्ही लवकर घरी परत या. आणि आपला कुत्रा जो आहे तो धर्मा तो पण तुमची वाट बघतो, वो भी आपका इंतजार कर रहा है आणि आम्ही सगळे इथे बरे आहोत, मतलब हम सब यहाँ ठीक है, तुम्ही कसे आहात, हाउ आर यू. क्या बात है, वाह वाह वाह. सो दिस वाज द इस तरह से इस तरह से बचपन बीता मेरा बाबा का कई बार इंतजार करते हुए. उस समय बाबा जाते थे तो लंबे लंबे दिनों तक लौट के नहीं आते थे. नैपकिन दो क्या? थैंक यू. लंबे दिनों तक वो लौट कर नहीं आते थे और स्वाभाविक के एक बार जाते थे तो कई कार्यक्रमों का सिलसिला होता था और बहुत थक के आते थे बाबा लौट के आते थे. और लौट के आने के बाद में मुझे याद है हमें माँ की सख्त हिदायत रहती थी मुझे और मुकुल दादा को, जब भी तुम स्कूल से लौटो तो जूते चप्पल घर के बाहर उतारना. अच्छा. क्योंकि दरवाजा धीरे खोलना, बाबा लौट आए हैं, बाबा को सख्त आराम की जरूरत है. और दरवाजा भी धीरे खोलना, जूते की आवाज घर में नहीं आनी चाहिए. माय मदर सो पर्टिकुलर अबाउट एवरीथिंग कि उनका आराम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए क्योंकि वो लंबे समय के बाद घर आए हैं, उन्हें आराम की सख्त जरूरत है. उनको वापस बाहर जाना रहता है, उनको वापस मन चिंतन करना है. तो इस तरह से मतलब बचपन से कुमार जी और संगीत को मैं अलग नहीं कर सकती. मैं हमेशा मैंने तो इसलिए मेरे लिए बहुत मुश्किल था भाई जी कि मैं अपने आप को संगीत में लाऊं, मेरे लिए बहुत मुश्किल था. हालांकि संगीत मेरे चारों ओर था, हमेशा था, जब से आँख खुली तब से था, लेकिन मैंने कुमार जी से संवाद बनाने में मुझे थोड़ा समय लगा सब, और मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं था आगे कदम बढ़ाना संगीत के लिए, क्योंकि मेरे घर में कुमार जी वॉज सच अ फिनोमिनल पर्सनैलिटी जो हजार साल में एक बार पैदा होते हैं. आज हम पीछे मुड़ के मैं देखती हूँ तो मैं कह सकती हूँ मेरी माँ खुद बहुत बड़ी गायिका, जिन्होंने कुमार जी के संगीत और कुमार जी के जीवन के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया. मेरे बड़े भाई वो भी बहुत लाजवाब संगीतकार, लाजवाब गायक हैं, वो थे. और भी शिष्य लोग आते थे, सत्यशील देशपांडे यूज्ड टू कम हियर रेगुलरली, ही यूज्ड टू स्टे विद अस.
मीरा राव जी थी, और भी दूसरे उनके शिष्य लोग थे, किरकिरे जी थे, और भी लोग थे, नलिन धोलकिया जी, ही इज इन नैनीताल नाउअडेज, ही वाज़ द सीनियर मोस्ट पर्सन, ही यूज्ड टू स्टे इन आवर हाउस एज अ गुरुकुल पद्धति. तो सब लोग का आना जाना रहना यह सब चलता रहता था, और घर में संगीत का ही माहौल हुआ करता था. ऐसे इसमें जब मैं धीरे धीरे बड़ी हुई, तो मुझे ऐसा लगता था कि इतने सब बड़े बड़े लोग हैं, इतने सब उमदा संगीत इस ऊंचाई का चल रहा है, तो मैं, मेरा क्या काम है जी, हु आई एम. और धीरे धीरे मैं, जैसे मैंने कहा कि मेरी माँ सुंदरा जी ही थी जिन्होंने मुझे संगीत की तरफ वापस मोड़ा. अच्छा. और मुझ में वो इच्छा जगाई कि मैं भी कुछ सुरों का अभ्यास कर सकूं और समझ सकूं कि बाबा ने क्या संगीत की दुनिया में काम कर दिया है. तो ये बस समझने की थोड़ी सी कोशिश आज भी करती हूँ. That's fantastic. मैं तो, याद है मुझे जब संगीतार एकेडमी पुरस्कार उनको अर्पण किया गया तुम्हारे माता जी को भी, I was in the executive at that time. It was so beautiful to just to meet her. Such motherliness, if I may. क्या बात है. और to have such a kathakar of your dad's work and contribution and his punji, उनका जो खजाना था, to have such a mother. जो उसका तर्जुमा करके बता रही है उसको, जो कथा कर रही है कि बाप है तो कौन है, वो जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, उसका मूल्य क्या है. आई थिंक यू आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव दैट. तो शिक्षा में शुरू में फिर किस उम्र में तुमने, मतलब माता जी से, when did you start on your own? छोटी उम्र में शुरू करा दिया माता जी ने या कैसे हुआ? नहीं, ऐसा तो नहीं था, छोटी उम्र में वगैरह कोई शुरू नहीं किया, क्योंकि मैं तो डरी हुई थी ना भाई संगीत से. तो संगीत से तो मेरा शुरू से ही एक ये रिश्ता रहा है कि भाई मुझे संगीत नहीं चाहिए, ये बहुत संगीत संगीत चल रहा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए संगीत. अच्छा. का हाँ, ये शुरू से मेरा एक स्टैंड रहा है कि भाई नहीं, मुझे संगीत नहीं चाहिए, ये शुरू का स्टैंड था. अच्छा. तो उस स्टैंड को, मेरे उस नजरिए को, उस सोच को बदलने में ही माँ को थोड़ा समय लगा. और हाँ, पर उन्होंने उसके लिए मुझे फोर्स नहीं किया, मतलब इट वॉज नॉट अ फोर्सफुल एफर्ट, बट very slowly she introduced me, or she asked me to come and join. Then she used to take classes with the other students also at home also, and jab kumar ji bhi sikhate rahe the to wo kehti thi ki tum ja ke bas keval baitho, tum keval suno is tarah se. To ghar mein dheere dheere main aake baithne lagi thi, but it was not a very early age. During my high school ke samay se main thoda thoda baithne lagi thi, और हल्का फुल्का छोटा एक आध कॉम्पोजिशन, दो कॉम्पोजिशन सीखना वगैरह, इस तरह से मैंने शुरू किया था. एक तो हमारे यहाँ पे शुरू से गुरुकुल पद्धति में संगीत सिखाया जाता है घर पर, भानुकुल देवास में जहाँ हम रहते हैं. कुमार जी और ताई थे तब तक, विद्यार्थी घर पर आकर रहते थे समय समय पर, बहुत पहले समय से, मतलब जब से कुमार जी यहाँ आए उसके बाद में, जब भानुकुल बना उसके पहले से. तो दिस वॉज आई एम टॉकिंग इन अर्ली 60s. सो अर्ली 60s के समय से स्टूडेंट्स दे यूज टू कम एंड स्टे विथ कुमार जी एंड ताई एज अ फैमिली मेम्बर, एंड सीखना होता था. और एक और बात मैं आपको बताऊं कि कुमार जी वॉज द आर्डेंट बिलीवर इन गुरुकुल पद्धति, गुरुकुल परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा, क्योंकि उन्होंने जिनसे सीखा, प्रोफेसर बी आर देवधर, और मेरी माँ श्रीमती वसुंधरा जी ने जिनसे सीखा, उन्होंने भी प्रोफेसर देवधर से ही सीखा संगीत. वो पंडित विश्वदिगंबर पलुस्कर के जो पहले 11 शिष्य हुए उसमें से देवधर जी एक थे, और गुरु के घर में रह के कुमार जी ने संगीत का अध्यापन किया. और उनको मालूम था कि गुरुग्रह में रहना इन्हें क्या होता है, किस तरह से गुरु के सानिध्य में रहना
कितनी बड़ी बात होती है और वो कितना सार्थक होता है किसी विद्यार्थी के लिए, दैट वाज अ आइडियल सिचुएशन। ये जरूरी नहीं है कि हर एक को आइडियल उनके सिचुएशन उनके जिंदगी में मिले, लेकिन जिनको मिले उनको उनका लाभ लेना चाहिए, ये उनका मानना था। और मुझे उनकी इस राय में बिल्कुल भी दो मत नहीं लगता, मुझे बिल्कुल लगता है कि उनका विचार 100% सही था। आज भी मुझे ये लगता है कि गुरुकुल पद्धति, गुरु शिष्य परंपरा हमारे संगीत के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ये बात अलग है कि आज हमारे पास अलग अलग डिवाइसेस आ गए हैं, नए नए माध्यम हमारे पास आ गए हैं, नई नई तकनीकें, टेक्नोलॉजिकल थिंग्स आर देयर फॉर अस टू हैंडल विथ एंड टू कनेक्ट विथ योर स्टूडेंट, बट एट द सेम टाइम to be with your guru and to live time with your guru is very very important, I must say. और उसका एक अलग impact शिष्य की personality पर भी पड़ता है, और गुरु क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता है, किस तरह से सोचता है, किस समय गुरु को क्या सूझेगा, ये कोई 10 से 12 की क्लास में जरूरी नहीं कि वो सब कुछ आपको बता दे या उसको उसी समय एकदम सब कुछ ध्यान में आ जाए, ये जरूरी नहीं होता। किसी भी समय उसको जो लगता है वो अपने शिष्य के साथ वो अपनी बात शेयर कर सकता है, उसके लिए उनका सानिध्य बहुत जरूरी है। और ये भी मैंने देखा है, अभी मैं इस बातचीत के माध्यम से आपको बताना चाहूंगी, कुमार जी ने अपने गुरु के घर में एक शिष्य होने के नाते वो सब कुछ किया जो एक घर में रह के बालक को करना चाहिए, उस शिष्य को करना चाहिए, जिस तरह से पुरानी परंपराओं में होता रहता आया था। लेकिन कुमार जी और ताई ने, मेरे माँ को ताई कहते थे घर में, कुमार जी और ताई ने अपने शिष्यों को घर में कभी भी कुछ काम करने से मनाही कर रखी। ऐसा नहीं कि घर में शिष्य रह रहा है तो वो फला काम उसके जिम्मे है, उसको ये करना है, उसको वो नहीं, वो नहीं, उसने यहाँ रह के उसको संगीत करना है। हमारी माँ सब कुछ उनके लिए करती थी और वो एक संगीत के संपूर्ण समर्पित विद्यार्थी केवल बन के हमारे घर में रही है। और संगीत सीखना, अपना रियाज करना, अपनी दिनचर्या अपने हिसाब से करना, ये ही केवल घर में होता था। ऐसा नहीं कि, मुझे याद नहीं कि कुमार जी का कोई भी शिष्य घर में कभी झाड़ू लगाते हुए मुझे आज तक मुझे याद नहीं, या उन्होंने कभी किसी को कहा हो कि भाई यहाँ की झाड़ू लगा दो या यहाँ के कपड़े धो दो या यहाँ की सफाई कर दो, नहीं, नेवर नेवर। ये आज तक मुझे याद नहीं है कि ताईया कुमार जी ने कभी किसी शिष्य को इतना सा भी एक तीली भर का काम बोला होगा। आप देशपांडे से पूछ लीजिए, आप पद्म पुरंदर से पूछ लीजिए, आप मीरा राव जी अभी भी गुजरी, पर किसी भी शिष्य से आप पूछ लीजिए, कोई भी इस बारे में आपको यही बात बोलेगा जो मैं बोल रही हूँ। दूसरी बात यह कि कुमार जी जब भी संगीत सिखाते थे, शिष्य हमेशा 6 फुट की दूरी पर रहता था। कभी भी कुमार जी ने किसी भी शिष्य से अपने हाथ पांव नहीं दबवाए, नेवर। ये बात अलग है कि खुद कोई को बोल दे तो बात अलग है, पर कुमार जी ने कभी भी किसी को यह नहीं कहा कि आज मेरे तुम पांव दबा दो या हाथ दबा दो, मैं थक के आ गया हूं, ये कभी भी उन्होंने नहीं कहा। तो ये इस तरह की सारी चीजें बहुत शुरू से मैंने देखी हुई है, और एक अलग सम्मानजनक स्थिति मैंने गुरु और शिष्य की देखी हुई है, जिसमें शिष्य को गुरु से कितना डिस्टेंस रखना है, शिष्य को कितना गुरु से संभल के बात करनी है और कितना समझ के उसको लेना है, और गुरु भी कितना समझ के शिष्य को लेता है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। इसलिए मैं समझती हूँ कि गुरु शिष्य परंपरा का हमारे यहाँ कोई सानी नहीं है, कोई कोई इसकी कोई दूसरी गुंजाइश नहीं हो सकती ऐसा। तो इसलिए ये सब इस तरह से माँ ने मुझे धीरे धीरे सब सिखाया, और मैं धीरे धीरे माँ के सामने बैठना मैंने शुरू किया सबसे पहले। और जैसे कि कुमार जी का भी कहना हमेशा रहा है कि परंपरागत राग और परंपरागत बंदिशें जो हमारे शास्त्रीय संगीत में गाई बजाई जाती है, उनका सबसे पहले अभ्यास होना बहुत जरूरी है। तो इसी तरह से माँ ने भी मुझे पुरानी बंदिशों के माध्यम से ही मेरा साहब से मुताबिका करवाया। उसकी तरफ की जी कुछ कह रहे हैं नहीं, कहो नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि चूंकि हम अभी भीमपलास
हाँ, मैं आ रहा था कि तुम गाती हो सब सुर साधे सब भयो पार, जब भयो पार जी उसकी तरफ आते हैं, बट लेट मी से वेलकम टू एवरी वन एंड जस्ट गिव योर इंट्रोडक्शन इन जी इंग्लिश एंड पंजाबी बोथ. सो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी 135th बैठक ऑफ दी यारनाथ वर्चुअल बैठक सीरीज. दिस इज द 135th मेला एंड आई एम इन कॉन्वर्सेशन विद विदुषी कलापनी कोमकली. एज यू वेल दोज हु अंडरस्टैंड एंड हु हैव ए यू नो हर्ड who know Indian classical music, for them Kalapani needs no introduction. But for those friends joining from Europe, from the Americas, from around you know around the world, and many who are new, newly being into you know who are just being introduced to music. Kalapani Konkali is a Devas based exponent of Hindustani vocal music or Shastriya Sangeet. She's daughter and disciple of Pandit Kumar Gandharv, and we have reminisced, we have remembered him quite some today, and we will continue to do so. I am interested in, you know, in the idea of which Kalapani has mentioned about the idea of the Gurukul. In which and the pedagogy, therefore, of how he taught, what was his idea of a Vidwan, how he nurtured, how he carved Vidwans out of just ordinary mortals. And Kalapani also received training from her mother, as she's been sharing, and we'll continue the conversation shortly after. Her mother Vidushi Vasudhara Komkali and of the Gwalior Gharana, both of them of course adhere to that system. Alongside a repertoire of Hindustani Sangeet, Kalapani's recitals are marked by a presentation of folk songs from Malwa and bhajans from Sagun and Nirgun saint poets. Kalapani has performed extensively throughout India and abroad, released her music with TMV, Times Music and Virgin Records, and lent her voice to the films Paheli and Devi Ahilya. She contributes to the promotion of Indian classical arts beyond her concerts and lecture demonstrations by organizing music festivals in Devas. She's never invited me even to take photographs to connect scholars, musicians and students. Kalapani Konkali serves as a trustee of the Kumar Gandharv Sangeet Academy. ਦੋਸਤੋ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ 135ਵਾਂ ਯਾਰਨਾਥ ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਠਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮਵਾਰਤਕ ਹਾਂ ਪੰਡਿਤ ਕੁਮਾਰ ਗੰਧਰਵ ਦੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਵਿਦੁਸ਼ੀ ਕਲਾ ਆਪਣੀ ਕੋਮਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਿਦੁਸ਼ੀ ਵਸੁਧਰਾ ਕੋਮਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਸਨ, ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਲਾ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਿਗੰਬਰ ਪੁਰਸਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 11 ਸ਼ਿਸ਼ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਯਾਰ ਜੋਧਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਰਹਿ ਕੇ 14 ਸਾਲ ਕੁਮਾਰ ਗੰਧਰਵ ਜੀ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਕਲਾਪਨੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਂ ਖਿਆਲ ਗਾਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਹੈਗਾ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਮਾਲਵਾ ਨਹੀਂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਹਨਗੇ ਸਗੁਣ ਅਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੀਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ। ਕਲਾਪੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੋਂ ਪਰੇ ਦੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪਰੇ ਬਹੁਤ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ TMV, ਟਾਈਮਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਤੇ ਵਰਜਨ ਰੈਕਰਡਸ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਈ ਐਲਬਮਸ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ।
इन्होंने दो फिल्मां दा जिक्र मैनू मिलता है, एक च पहेली और देवी अहिल्या, इन्हां विच उन्होंने अपनी आवाज़ भी दिती है। और शास्त्रीय संगीत या क्लासिकल आर्ट्स की जड़ी जिन्हों कही अपने गायन तो अड और अपनी लेक्चर डेमोस्ट्रेशंस तो अलावा वो देवास विच म्यूजिक फेस्टिवल भी कराते हैं जिदे च वो वड्डे विद्वान संगीतकार संगीतज्ञ और शिष्यगण जने हन गे उन्हां सारिआं नूं एक एक तरह नाल इकट्ठे करके एक 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 रचना रचदे ने कि व्योंत बनाउंदे ने उही, क्योंकि कुमार गंधर्व संगीत अकादमी दे आप ट्रस्टी भी हन गे ते वो विद्वाना दा और जिहड़ी नवीं पीढ़ी की जिहड़ी जिज्ञासा है उन्होंने इकट्ठिया उन्हों का संगम मिला के उस विचों उम्मीद पैदा होंदी है कि अगला अगली पीढ़ी के विद्वान पैदा होंगे या कड़े जाएंगे ये वह कार्यशील हैं इस तरह कार्य कर रहे हैं। आओ आप हूँ वार्ता जारी रखते हैं। सो वार्ता कर रहे थे गाने की तालीम की चीज़ों के बारे में, तुमने बताया कि जो जो बेसिक जो शिष्य जो तालीम है या संध्या विधि या प्रणालिया है उसमें जो टकसाली जो चीज़ें हैं पारंपरिक चीज़ें हैं बंदिशें हैं उनका उनका मंथन उनका याद करना उनको उनका विस्तार करना उनको सजाना सवार जो सजा सवार कर पेश करना इसके बारे में तुम बता रही थी। और भी पलासी में कंपोजिशन कुमार जी गाते थे सब सुर साधे जब भयो पार, अगर आप उसकी तरफ से आएं और बताएं कि कैसे कैसे उसकी कहानी अगर याद आ रही कब सीखी, माता जी ने सिखाई वसुंधरा जी ने या कुमार जी से सीखी थी? अच्छा सिखाई थी कि चोरी की थी उनसे छीन ली थी? क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है ना कि सिखा किसी को रहे होते याद किसी को हो जाती है। बिल्कुल ऐसी बहुत सी चीजें हैं कि जो कुमार जी किसी को सिखा रहे होते थे और मुझे कानों पे पढ़ पढ़ के बहुत सी बंदिशें याद हो गई, ये सही है। लेकिन तबसुर साधे ये जो बंदिश है ये बाकायदा मुझे वसुंधरा जी ने बैठ के सिखाई। अच्छा। और हाँ जी, और उसी के बाद में ये था कि धानी राग जो है भीमपलासी के भीमपलासी का उसको हम बहन ही कहेंगे, एक बहन है वो धानी राग, उसमें बहुत पुरानी एक पंजाब सिंध में गाई जाने वाली घराने की बंदिश है वो भी उन्होंने बताई थी। तो तबसुर साधे चूंकि अब हम पहले इस जगह में गा चुके हैं तो इसलिए केवल एक लाइन चूंकि आपने कहा जिक्र किया है इसलिए गा देती हूँ। अरे लाइन क्या है, इतनी कंजूसी मत करो। तो धानी की बंदिश में आपको भी फैंटास्टिक पंजाबी भी सुनेंगे तुमसे। जी सर। जो हमने इस जगह में तुम अभी ने कौन ये जो लिया था आप देखा होगा उसमें सारे स्वर जो है वो उसका वर्णन जो है बंदिश का इस जगह में तुम अभी ने कौन मैं गुरुदेव तुम गुरुदेव मैं चेला, तो उसके सुर भी उसी तरह से हैं। लेकिन ये जो सब सुर साधे देखिए कैसे अलग भीमपलास इसमें दिखता है। इसका कहन जिसको हम कहते हैं कि बंदिश का कहन बहुत मायने रखता है और उस कहन से उस बंदिश के माध्यम से वो राग अलग हमारे सामने खड़ा हो जाता है। आ रे
तो ये बहुत सुंदर कुमार जी की कंपोजिशन है। इसका अंतरा कैसे जाते हो? सो आप छोड़ेंगे नहीं ऐसा लग रहा है मुझे, मैं बचना चाह रही हूँ। इतनी ज्यादती, इतनी ज्यादती। की जिस बंदिश की आपसे सुबह बात कर रही थी वो गिरधर गुरु जी ने मेरी माँ को वसुंधरा जी को सिखाई थी। इतने में धनी हो गया। साढ़े नाल बामनिया आया, साढ़े नाल बामनिया, साढ़े नाल बामनिया, दिल भरिया सजन मन रमया, साढ़े नाल बामनिया आया क्या सुंदर बंदिश है, पुरानी बंदिश, ना जवाब और पुराना पुलिसकर जी का पंजाब का। लटक लटक लट हस हस मुख पतलावनिया सजन मन रमया साढ़े नाल बामनिया साढ़े नाल बामनिया। क्या बात है, वाह वाह वाह। पुरस्कार जी दा उत्थे आसा भी उन्होंने पंजाब च दरबार साहब अमृतसर तो सिखिया और पंजाब दियां कितनियां रचनावां उन्होंने कीती है। दिस इज एन अमेजिंग यू नो रिमाइंडर ऑफ द आइडिया ऑफ जर्नी नॉट ट्रैवल जो पुराने लोग करते थे और उनमें खुशबुएं अलग अलग जगह के अलग अलग भाषाओं का क्या संग्रह था। जैसे गुरबानी में देखो तो उसमें भी मतलब पुरानी मराठी मिलेगी, भगत नामदेव जी की आनी ले कागद काटी ले गुडिया कास मदे भरमी अले, पंच जना से बात बतौआ चित्त से डोरी राखी अले, हाँ आनी ले कुंभ भराई ले उदख राजकुआर पुरंदर ये असत खेलत विचार करती है चित्त सो गागर राखी अले। सो दिस इज दी आइडिया ऑफ जर्नी ट्रैवल का जो था, बट दिस इज अ फैंटास्टिक कंपोजिशन धानी और धनाश्री, फिर धानी और श्री जो काफी मेल का श्री दोनों का मिश्रण फिर धनाश्री भी बना, क्या बात है।
दिस इज फैंटास्टिक। और ये पर सबसे पहले तो भीमपलासी से शुरू किया या सबसे पहले क्या कराया माता जी ने? नहीं, मुझे भीमपलासी ही सिखाया था। और बल्कि इस जगह में तुम अभी न कौन, क्योंकि कुमार जी का शुरू से ही मानना रहा है कि कभी भी शिष्य को पहले तीन ताल मत सिखाओ। अच्छा। रूपक सिखाने में आसान है, रूपक समझने में आसान है। तीन ताल क्या है कि तीन ताल एक तो 16 मात्रा है और उसका गणित आप सुनने में आसान लगता है लेकिन वो है नहीं उतना आसान। हमारे पंजाब में पुराने वक्त में तीन ताल को जो मतलब जो मध्य गति है उसको कुड़ियां दा ताल कहते थे, बच्चियों का ताल, छोटी बच्चियों का ताल। तो रूपक रूपक में सिखाना उन्होंने विचार शुरू से उनका रहा है। तो इस जगह में ये रूपक में बंदिश है और इवन सबसुर साधे जो मैंने आपको सुनाया रूपक ताल की निकृष्टता की यहाँ बात नहीं है। ताल परिपूर्ण है लेकिन समझ में कितनी जल्दी आना चाहिए ये यहाँ पे मुद्दा है। आप सबसे पहले भी आड़ा तुक्का सिखा दोगे तो मतलब क्या हो जाएगा शिष्य का, आप सोच सकते हैं। मतलब दूसरे दिन वो नजर ही नहीं आएगा कहीं आपको, सबसे पहले यदि सिखा दोगे आप लोग तो। ये समझने वाली बात है कि ताल से उसका डर भगाना है अपने को, ताल से उसको दोस्ती करवाना है। तो उसको डराना नहीं है, उसको ताल से, लय से डराना नहीं है, ताल से डराना नहीं है। तो ऐसा कुछ उसको सिखाइए कि जिससे वो आत्मसात कर सके, है ना। तो इस तरह से ये दोनों बंदिशें सिखाई थी मुझे भीमपलासी। और रियाजत में मतलब बंदिशों का शुरू में याद करा देना होता था या पहले सरगमों का अभ्यास शुरू होता है? आवाज की प्रेपरेशन, वॉइस कल्चर कैसे झोली में पड़ा? वॉइस कल्चर सबसे आवश्यक और सबसे अहम, सबसे पहले सिखाया जाना बहुत जरूरी था। क्योंकि तुमने जैसे बताया तानपुरों की वैल्यू तो तुम्हें बहुत पहले मिल गई थी ना, कि तानपुरा सुन रहा है उस वक्त। और देन यू आर आल्सो सीइंग योर डैड कंट्रास्टिंग हिज द तानपुरा साउंड विद हिज वॉइस, गार्डनिंग हो रही है या कहीं भी बैठे हैं, तो वो तो एक तरह से बुनियाद जैसे कहें कुआं भरना शुरू हो गया ऑलरेडी। तानपुरा बजाना ये कला है, ये हमको सबसे पहले सिखाया गया, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि यदि आप विलंबित आलाप ले रहे हो, विलंबित कोई चीज गा रहे हो, तो स्वाभाविक आपने देखा होगा कि आपकी उंगलियां उस लय में चलती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जब व्यक्ति द्रुत लय में गाने लगता है तो उंगलियां भी द्रुत लय में चलने लग जाती है। पांचवा गियर लगता है उसमें। Which is a quite, I mean, मुझे बड़ा अजीब लगता है वो देख के, क्योंकि हमें ये सिखाया गया है कि आप द्रुत लय में गाइए लेकिन आपकी उंगलियां उसी लय में बजनी चाहिए। बिल्कुल। जो लय तानपुरे की है, एक तानपुरे आप बजाने की एक लय है। और ये भी मैं बता दूं आपको, काली दो का तानपुरा अलग लय में बजेगा, काली चार का तानपुरा अलग लय में बजेगा, क्योंकि काली दो के तारों में से निकलने वाले हार्मोनिक्स और उनकी रेंज, उनकी फ्रीक्वेंसी का जो दायरा है, उसकी जो गोलाई है, उसका जो एक सर्कल है, वो किस कब कंप्लीट होगा तो आप दूसरा तार बजाएंगे, ये समझने वाली बात है। काली चार के सुरों की जो फ्रीक्वेंसी है, उसका जो एक टाइम पीरियड है कंप्लीट होने का, उसकी जो एक रेंज है आप तक पहुंचने की, उसके हार्मोनिक्स की बाहर निकलने की, सुनाई देने की जो रेंज है, उसके हिसाब से उसकी स्पीड स्ट्रिंग की आपको छेड़ने की जो है वो स्ट्रिंग की वो डेवलप होती है, टाइम उसका डिवाइड होता है। यदि काली दो का आप तानपुरा बजा रहे हैं तो उसकी स्पीड अलग होगी, यदि कोई बड़ा ख्याल गा रहा है या द्रुत गा रहा है तब भी एक जैसी होगी। काली चार का यदि तानपुरा आप बजा रहे हैं तो उसकी एक स्पीड होगी, आप भले ही बड़ा ख्याल गाइए, द्रुत तराना गाइए, टप्पा गाइए, कुछ भी गाइए। तो ये मतलब मुझे याद है कि नाराज हो जाते थे कुमार जी यदि थोड़ा भी आपका उंगली यदि तेज चल गई तो, यदि कोई द्रुत बंदिश आ रहा है और यदि आपने थोड़ी सी भी तेज उंगली करी तो वो नाराज हो जाते थे कि तुम्हारा ध्यान नहीं तानपुरा बजाने की तरफ। और बल्कि आपने
लाइव परफॉर्मेंस कुमार जी का कितनी बार आपने अनुभव किया है मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुतों ने जिन्होंने उनके लाइव परफॉर्मेंसेस सामने से बैठ के सुने हैं, उन्होंने कई कई बार अपने पीछे जो तानपुरे बजाने वाले उनके बड़े सिलेक्टिव होते थे, चाहे जो व्यक्ति उनके पीछे तानपुरे पे नहीं बैठ सकता था, लेकिन फिर भी कभी कभी इंसान है, कभी कभी हो जाता है कुछ कम ज्यादा, कुमार जी तुरंत पीछे डांट देते थे ठीक से तानपुरा बजाओ, उसमें वो कभी भी कमी नहीं करते थे। उन्होंने कभी ये परवाह नहीं की कि भाई लोग क्या कहेंगे, तानपुरे ठीक से बजना ये पहली शर्त है एक गायक कलाकार की, ये ऐसा उनका मानना था और उन्होंने जिया इस चीज को, उन्होंने जिया इस बात को लेके जी किया। ता जिंदगी वो तानपुरा अपने साथ में लेके सब जगह गए, लाहौर भी जाते थे तो उनका तानपुरा साथ जाता था, और यहाँ से कहीं भी गए, इवन वो एवियो में गए थे फेस्टिवल ऑफ फ्रांस में गाने के लिए, तो उनके दो तानपुरे यहाँ से गए थे उनके साथ। अच्छा। तानपुरों के बगैर कुमार जी जिंदगी में कहीं भी नहीं गए। अच्छा। ये बात अलग है कि बाद में बंबई में सत्यशील देशपांडे जी के घर पे उन्होंने एक जोड़ी रख दी थी, दिल्ली में मधु भैया के यहाँ पे एक तानपुरे की जोड़ी, वो एक अलग बात है, लेकिन वैसे देखा जाए तो वो कभी भी बिना तानपुरों के कहीं गए नहीं। और ये चीज शुरू से हमको सिखाई गई, तानपुरा कैसे बजाना, साथ में कैसे गाना, और कभी भी एकदम बंदिश से तो कभी सिखाना शुरू ही नहीं हुआ। स्वाभाविक है, राग के अलाप, राग को समझना, और सबसे पहले अपनी आवाज तैयार करना, ये सबसे महत्वपूर्ण किसी भी विद्यार्थी के लिए रहता है, जैसे इधर उधर रहता है वैसे इधर भी रहता है। पर ये भी एक मैं कहूँ कि जिस तरह से खर्च साधना के बारे में सामान्य रूप से जो एक बात की जाती है, उस तरह की खर्च साधना, खर्च की साधना कुमार जी ने कभी किसी को करने के लिए बाध्य नहीं किया था। करना है आप आपके कमरे में बैठ के कीजिए, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहे कि आपको दो घंटे बैठ के खर्च साधना करना है, दो घंटे ढाई घंटे बैठ के आपको मंद्र स्वर लगाना है, नहीं ऐसे नहीं। उनका स्वर साधना का, स्वर बिंदु को देखने का उनका तरीका, उनका समझाने का तरीका एक अलग तरीका होता था, जिसको वो सामने बैठ के समझा देते और आपको उसको दोहराना होता था। तो ये एक अलग प्रोसेस उनकी रही है, जिसमें वो पहले आपको स्वर साधना सिखाते थे, और ताई भी, मतलब वसुंधरा जी भी वही करती थी हमेशा। तो स्वर साधना की तरफ आते आते हल्का सा कुछ उदाहरण जो उन्होंने, जैसे कई बार होते हैं ना कुछ सरगमें जो टिपिकल होती हैं कुमार जी की या माता जी की, कुछ साझा करो। मुझे लग रहा है कैलिफोर्निया में आग लगी हुई है, कुछ मल्हार सुना दो, ताकि थोड़ा शायद उस आवाज़ पहुंच जाए तो कुछ अकेले तुम देवास में बादल लेके बैठे हो, बहुत खराब हो तुम भोगने सब लोग। बातचीत करते करते हमारा घनघोर शुरू हो गया है तो मैं जरूर सुनाऊंगी, मल्हार सुनाऊंगी। एक छोटी सी बात मैं यहाँ आपको कह दूं कि ये बहुत, आई मीन इट्स वेरी अप्रोप्रिएट टू पुट दिस इंसिडेंट हियर विथ यू एंड विथ ऑल द व्यूअर्स एंड लिसनर्स विद दिस योर डिस्कशन। वॉट एवर कुमार जी टॉट मी भाई जी, it was such an abstract thing. I used to come blank. Achha. When I come from that room. और ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं आपको या किसी और को भी बताऊं कि उन्होंने क्या सरगम मुझे सिखाई। अच्छा, क्या बात। ये मैंने इसके पहले भी कुछ एक जगहों पर मैंने इस बात का जिक्र किया है, मैं आज आपके सामने, और आई वॉन्ट टू शेयर विथ ऑल दिस लिसनर्स एंड व्यूअर्स। आई यूज्ड टू कम टू माय मदर आफ्टर दैट सेशन इज ओवर, सेशन गेट्स ओवर, एंड आई यूज्ड टू टेल हर दैट मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आज बाबा ने क्या समझाया, और मैं रोने लग जाती थी कि भाई मुझे नहीं समझ में आया। आज मैंने उनके सामने गाया, उन्होंने जो बोला उनका सिखाना कि मेरे छोटे से दिमाग को वो बात कई बार ऊपर से जाती थी, मतलब अच्छे अच्छे शिष्यों के भी ऊपर से जाती थी, मेरा मैं हु आई एम टू से ऑल दिस
ये और भी शिष्य लोग आपको बता देंगे, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो शायद उनका भी हो, पर यही बात है कि वो आके रोते नहीं होंगे मेरी माँ के पास में, लेकिन वो मनी मन रोते होंगे आफ्टर फॉर दैट, क्योंकि ऐसे होता है। अब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि बाबा कितने जेनरस थे, कितने जेनरस थे, ये वो सच जेनरस गुरु। उन्होंने अपने पास कभी कुछ संभाल के नहीं रखा, उन्होंने सब कुछ दिया, वो देते चले गए, कि वो दाता, वो हमें देते चले गए। ये हमारी कमी है कि हम उसमें से कितना ले पाए, हम बहुत कम बच पाए, हम बहुत ही कम अमृत के बिंदु शायद पता नहीं ले भी पाए हैं कि नहीं। ये उनकी जेनरोसिटी थी, उन्होंने हर शिष्य को भर भर के दिया, भर भर के दिया, और इसलिए दिया बिकॉज he was such a creative person, he was never scared about all such things, कि भाई मेरा खजाना कभी खाली हो जाएगा, उनको ये डर नहीं था जी कि मेरा खजाना कभी खाली हो। वो इतने बड़े दाता थे, उनका कैसे खजाना खाली होगा, वो इतने क्रिएटिव थे, इतना झरना सतत जहां बह रहा हो वो आदमी क्यों सोचेगा कि मेरा झरना सूखेगा और मुझे बचा के रखना है अपनी चीजें, नहीं, he was not like that, तो साझा करते चले गए अपने शिष्यों के साथ। ये बात अलग है कि उनका सिखाने का तरीका, उनका सोचने का तरीका इतना अलहदा था, इट वॉज सच अ डिफरेंट वे टू थिंक अबाउट द म्यूजिक एंड टू हैंडल म्यूजिक इन अ डिफरेंट लेवल, कि उनके पास कंपैरेटिवली कम शिष्य लोग आए सीखने के लिए, क्योंकि वो इतना आसान नहीं था उनकी उनकी टेक्निक को समझना, उनकी टेक्निक को अपने में उतारना, ऐसा मुझे लगता है। आई मे बी रॉन्ग, मैं मतलब मैं ये दावे के साथ नहीं कह सकती, पर ये एक कारण हो सकता है कि इतना आसान नहीं था उनके विचारों को आत्मसात करके उनकी चीजों को सीखना, परंतु जो उन्होंने सिखाया हर एक को वो इतना भर भर के सिखाया, मैं क्या बताऊं आपको, भर भर के सिखाया। आप किसी भी शिष्य से कभी भी बात कीजिए, वो यही आपको मिलेगा कि जो कुमार जी ने दिया वो मुझे नहीं लगता उनको 50 जगह जाके भी मिल सकता था। मेरा भी अनुभव यही है कलापनी के, जिसके जिन उस्तादों गुरुओं पीरों के पास सीमित दिखा ना इल्म, मुझे कंजूसी उन्होंने जताई, जिनके पास अपनी क्रिएटिविटी का अथाह प्रवाह चल रहा हो और ऐसे गुरुजन मिले हों उनको अपने बचपन में, जिन्होंने उदार दिली दिखाई हो, कभी संकोच न की हो, वो हैं चाहे कम, पर जो हैं वो उदार दिल देखे, जिनके पास आप भरकम है या खजाना है, जिनकी 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 याददाश्त सीमित है, कंजूसी उनके हाथों में दिखी है, क्या बात है जी। तो आपको मल्हार की एक, मियां मल्हार की एक बंदिश सुना देती हूँ। अब मियां मल्हार मतलब अब अकेला मियां मत करना ना, मेम साहब वाला मल्हार भी कोई मतलब कोई मल्हारों के बारे में जिक्र करो, क्या बात है, मौसम चल रहा है, मौसम चल रहा है। क्या आपको तानपुरा सुनाई दे रहा है? हाँ। Is it okay? हाँ। The volume is थोड़ा थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा कम, थोड़ा दूर रख लेना अपने माइक से। ठीक है, ये तानपुरा से प्यार है ना, इसलिए थोड़ा ज़्यादा भी सुनाई दे तो कोई हर्ज नहीं। दूसरे लोग कई बार देखा है कि तानपुरा बिल्कुल इतना बैकग्राउंड में चला जाता है कि वो उसका होना ना होना बस ये है कि मैं पंजाबी ठहरा, कहीं आवाज डूबती हुई दिखो तो मुझे छलांग लगानी पड़े बचाने के लिए। वो कहते हैं पंजाब में मतलब मल्हार गा रही हो पानी या बरसेगा, कहे जी क्या गाना गाया, मैं था बस डूबी गया, कहते कोई बचाने वाला नहीं सी। आ
ये नहीं लिया है सावन झरे गो झरिया सावन झरे गो झरिया चमो दे सावन झरे गो झरिया बांधियो आम पे झूला झूला लगाया है जी आम के पेड़ पर सावन झर रहा है पर आम के पेड़ पर झूला लगाया है बांधियो आंबा पे नहीं नहीं सावन माफ कीजिए सावन झरियो झरे चमुदे साते बादर ठीक है ये तो गए स्थाई बांधियो आंबा पे झूला झूला बांधियो बांधियो आबा पे झूला आवो सहेला मी में दावरी सावन झरियो अंबा पे झूला री आओ सहेला मी दावरी सावन झरियो झरिया है क्या सुंदर चित्रण है ये कुमार जी की कॉम्पोजिशन है मल्हार में अब
इस बंदिश को लेके मैं एक छोटी सी, मुझे लालच हो रहा है, एक कुमार जी की गौड़ मल्हार की बंदिश है। अच्छा, मुझे मालूम नहीं था कि लालची हो तुम। करते रहो लालच, कोई नहीं, मुझे मजा आ रहा है। मुझे उसका मैं कारण आपको बताऊंगी, वो मैं कारण आपको बाद में बताऊंगी कि इस मियां मल्हार की बंदिश के बाद में वो एक गौड़ मल्हार की बंदिश मैं आपको। अच्छा। सुना रही हूँ, उसके बताऊंगी मैं आपको, पहले गुनगुना लेती हूँ। गौड़ मल्हार तुरंत हो गया। ऋतु भर खाए, ऋतु भर खाए आई, ऋतु भर खाए आई, घन गरजे बिजली चमके, गरजे ऋतु भर खाए सननन सननन कर, ओ सननन सननन करिमो, चहुँ दिस घेरि अब हिमके, बरसे ऋतु बरखा। अब पूछिए मुझे ये बंदिश क्यों याद आई सावन झरियों के बाद में। अब तुम कह रही हो तो मैं पूछ ही लेता हूँ कि बकौल तुम्हारे कि मैं तुमसे पूछूं, तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये क्यों बंदिश मेरे को सुनाई। जी जी जी, तो अब हम आपको बताएंगे इसके पीछे की बहुत सुंदर एक कहानी है जो मेरे बहुत दिल के करीब है। अच्छा। ये बंदिश गौड़ मल्हार की बंदिश पहले बनी ऋतु बरखा और बाद में सावन छरी आयो। मैं जब छोटी थी तो झूला झूलने का बहुत शौक था। अब नहीं हूँ छोटी। बहुत छोटी थी, अभी भी छोटी हूँ, और भगवान करे मैं हमेशा छोटी रहूँ। आप ऐसी दुआ कीजिए कि मैं हमेशा छोटी रहूँ। और मतलब झूलने की, झूलने की पसंद अब नहीं है झूलना, कि अभी भी है झूलना पसंद है? भी मुझे बहुत पसंद है झूला झूलना, क्यों ना पसंद हो जी, क्यों ना पसंद हो। मैं पूछ रहा हूँ, स्पष्टीकरण कर रहा हूँ, ताकि कल को मैं FIR दर्ज कराऊंगा कि झूलना झूल, कोई झूल रहा है तो मुझे पता होना चाहिए कि कौन था देवास में झूल रहा है। तो भानुपुर में जहाँ हमारा घर है, हमारे घर के पीछे बहुत बड़ा नीम का पेड़ है, अभी भी है, उस पर सावन के झूले लगते थे और मैं बहुत हट करती थी, मेरा बाल हट, कि वहां जाके झूला झूलना है। अच्छा। तो मुझे बहुत पसंद था। अब और तो कुछ था नहीं घर के आसपास, हम लगभग भानुकुल एक ईरान सी जगह में उस समय था, अब तो खैर शहर के बीच में हम आ गए हैं, और अब मैं ये कहूंगी तो किसी को इस बात पर भरोसा नहीं होगा, लेकिन कुछ नहीं था, और माता जी की टेकरी हमारे घर के पीछे है, चामुंडा माता और तुलजा भवानी ऊपर पहाड़ी के ऊपर मंदिर है, जिसके फुटहिल्स, एब्सोल्युटली वी आर इन फुटहिल्स ऑफ माता जी चामुंडा देवी एंड तुलजा भवानी, सो आवर हाउस इज सिचुएटेड जस्ट फुटहिल इन ऑन द फुटहिल ऑफ दैट देवी। तो वहाँ पीछे मुझे झूला झूलने की बहुत तमन्ना रहती थी सावन के समय जब झूले लगते थे, पर स्वाभाविक है मुझे बार बार वहाँ जाने नहीं दिया जाता था, बहुत से कारण थे, कभी मैं अकेली रहती थी, कभी कोई नहीं रहता था साथ जाने के लिए, और हमेशा की तरह जैसे आपको बताया मैंने कि घर में रियाज का समय है तो नहीं ले जाएंगे, रोने दो रोती हो तो, रियाज इम्पोर्टेंट है, रोती हो तो रोने दो, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ेगा, थोड़ी देर रोएगी चुप हो जाएगी, आज नहीं कल ले जाएंगे, इस तरह की, ये तो मतलब मुझे जबानी रटा हुआ है मामला कि नहीं अभी हमें समय नहीं है, अभी हम नहीं ले जाएंगे, अभी हम दूसरे काम में लगे हुए हैं, तुम बड़बड़ करो, ये भी तुम्हारा टाइम नहीं, तुम जाओ अभी, ये तुम्हारे लिए अभी समय नहीं है, ये हमारे लिए तो कभी समय हुआ ही नहीं यार उनको, तो इस तरह से तो जिंदगी भर मतलब मैं तो कभी कभी लगता है कि ऊपर जाने के बाद बाबा से लड़ाई करने वाली हूँ इस बात को।
मैं भी साथ में लड़ूंगा, कोई नहीं, फिर इकट्ठे लड़ेंगे। उस समय मैंने बहुत बाबा से एक बार हट किया कि नहीं मुझे झूला झूलना ही झूलना है, झूलना ही झूलना है। तो बाबा ने कहा कि हमेशा का इसका एक रोना गाना जो है वो मिटा देते हैं। उन्होंने घर में ही झूला लगा दिया, बागीचे में एक बड़ा सा झूला लगाया, उसपे बाकायदा बड़ी सी रस्सी लगा के उसपे जिस तरह से सावन का झूला लगता है वो वैसा झूला पेड़ पे नहीं लगाया, प्रॉपर इकड़ियां ला के और इस तरह से उन्होंने झूला बना के दिया। उन्होंने कहा कि अब झूलो, तुमको जितना झूलना है झूलो, क्योंकि घर में ही है, घर के अहाते में है, बहुत बगीचा बड़ा है घर का, तो ये सब हो सकता था। और इसके पीछे की सुंदर याद ये है कि ये ऋतु बरखा आई जो बंदिश है, ये कुमार जी ने, मैं झूला झूलने के लिए जब जा रही थी तब तेज बारिश आ गई चारों तरफ से। अच्छा। तब ये मैं बारिश में मैं नाच रही थी तब ये बंदिश बनाई है। ऋतु बरखा ऋतु बरखा आई, घन गरजे घन गरजे, बिजली चमके गरजे, ऋतु बरखा ऋतु बरखा, सनन सनन नगर हो, सनन सनन नगर हो, चौदी से घेरे अब ही धमाके बरसे ऋतु बरखा। तो ये अंतरा कैसे जाता है इसका, क्या लाजवाब है। और एक उस समय एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक सीन है, मैं आपको बताऊं। सावन का महीना था, गणेश उत्सव के समय कुमार जी यहाँ देवास में गणपति के समय 8 दिनों तक प्रोग्राम अरेंज किया करते थे देवास के लोगों के लिए। सभी बड़े बड़े कलाकारों को यहाँ समय समय पर कुमार जी बुलाया करते थे। तो उस समय मुझे याद है, मैं बहुत छोटी थी लेकिन अभी भी मेरे जहन में वो सीन एकदम क्रिस्टल क्लियर है। आदरणीय किशोरी अमोनकर ताई, किशोरी ताई यहाँ आई हुई थी गाने के लिए, और उस समय उनके साथ में पद्मताई तलवलकर उनके साथ संगत के लिए आई हुई थी। हालांकि पद्मताई तब उनकी माताजी अपरमादरणीय मोगूबाई कुर्डीकर जी के पास में संगीत सीख रही थी, लेकिन चूंकि किशोरी ताई देवास आई थी गाने के लिए तो पद्मताई उनके साथ में एक संगत के लिए तानपुरे पर बैठने के लिए उनके साथ में देवास आई हुई थी। और चूंकि हाँ जी, तो चूंकि देवास स्वाभाविक है बड़े शहरों से थोड़ा एक तरफ छोटा शहर था, तो जब भी कोई कलाकार आता था तो एक 2-3 दिन हमारे घर में उनका निवास रहता था, गप्पे होते थे, बातचीत होती थी, गाना बजाना, खाना, मतलब प्रोग्राम होने के बाद में भी ये सब 1-2 दिनों तक आगे चलता रहता था। तो वैसे वो 2 दिन रुके हुए थे हमारे यहाँ पे, और उस समय स्वाभाविक है सावन का झूला मेरे घर पे कुमार जी ने मेरे लिए तैयार करके रखा था। तो मुझे अभी भी याद है कि मैंने हट किया तो किशोरी ताई और पद्मा ताई, मैं झूले पे बैठी हूँ और दो, एक तरफ पद्मा ताई और एक तरफ किशोरी ताई। अरे वाह। तो मेरी जिंदगी की बहुत खूबसूरत यादों में से एक है कि दो महान गायिकाएं, एक तरफ से मुझे उस समय में बहुत छोटी थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे बाद में ये सब अब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि क्या सुनहरे दिन थे वो, कि इस तरह से मेरे झोली में इस तरह से कुछ आया। तो इसलिए मैंने आपको ये बंदिश सुनाई। क्या बात, मेरे ख्याल से अच्छा। लेकिन इसका जो क्या कहते हैं वो अंतरा कैसे जाता है इसका, कंजूसी ना करो कंजूसी ना करो कंजूसी। सन न करी हो,
चौदे से ए यारे अब ही धमाके पर से ऋतु बरखा ऋतु बरखा पापी दादुरवा बोला ये 100% गौर मल्हार जिसमें अपनी पूरी पूरी जवानी में छाया हुआ है पुरानी बंदिश बापी दादुरवा बोला ये बापी दादुरवा बोला ये बापी दादुरवा बोला ये बापी हाँ आ बापी हाँ बापी दादुरवा बापी दादुरवा बोला ये बापी हाँ आ बापी हाँ कोया गए सबद सुनावे पिया के सुधर आये सुधर गवाए बापी दादुरवा बोला पारंपरिक जो रेपर्टोर है उसमें से भी कुछ दीदार कराते, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि कुमार जी का, क्योंकि एक कबीर जी के औरों और मीराबाई और गुरबानी के भी, शायद गुरबानी भी कुछ गाए हैं, वो कबीर जी की जो गुरबाणी में भी है उसके अलावा भी कुछ गाए हैं? नहीं, एक तरह से गुरबाणी कबीर जी नहीं गाए, कबीर जी को गाया जो, हाँ कुछ कभी गुरबाणी में है ही उनका, नामदेव जी के कुछ पद कुमार जी ने गाए हैं, नामदेव जी के गाए हैं, लेकिन और हाँ ये भी कह दूंगा आपको, लेकिन हमारे यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब है और जिस तरह से ऊंचाई पर उसको रखने का एक रिवाज है, अपने से ऊंचाई पर रखने का रिवाज है गुरु ग्रंथ साहिब को, है ना, ऐसा ही यही रिवाज है जहां तक मैं हूं। वो तो गुरु है, गुरु का उपाधि और किसी शास्त्र को नहीं है, तो आज भी हमारे यहाँ भी वही ऊपर का स्थान गुरु ग्रंथ साहिब को मिला हुआ है, वो भी कुमार जी ने बहुत ऊंचाई पर उसको रखा हुआ, अपने किताबों के बीच में बहुत ऊपर रखा हुआ। तो वो पढ़ते थे क्या, या कुछ गाया भी उसमें से, गुरबानी में से कुछ गाने का उसको प्रेरणा हुई कभी? नहीं, कंपोज नहीं कर पाए कुमार जी, उनकी इच्छा बहुत थी, क्योंकि पुलस्कर विश्व दिगंबर पुलस्कर जी ने तो काफी गुरबानी गाई थी, दरबार साहब यानी कि स्वर्ण मंदिर में भी गाते रहे वो शुरू में, पार्टीशन से बहुत पहले, कुछ वो रचनाएं कुछ याद मतलब आई है कुछ उनके जरिए, कुछ कान में श्रवण में पड़ी क्या, कभी चर्चा हुई कभी उसके बारे में? नहीं, इस तरह से तो नहीं जाता मुझे याद। तो मैं यही अर्ज कर रहा था कि जैसे कुमार जी बिकेम वेरी फेमस लाइक फॉर द निर्गुण भक्ति रेपर्टोर दैट ही कंपोज, आई मीन एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपोजिशंस, और लोग उनकी जो मतलब जो सियाने हैं जो समझते हैं वो तो सब जानते हैं, मतलब पूरी परंपरा की धरोहर थी उनमें, लेकिन आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट इवन फॉर मी टू मैप द आइडिया दैट द काइंड ऑफ ए प्रोलिफिक कंपोजर दैट ही वाज, जिस तरह की उनकी कंपोजिशन स्ट्रक्चर जो तुमने अभी दिखाया भी है कि वो कितनी बारीकी है, राग का जो यानी कि उनके जैसे उनका अगर पेन ने भी शोक है तो उसमें बीज रूप प्राण मर्म रूप तो है ही, वैराग्य रूप और संन्यास रूप जो बहुत रेयर जाने जाते हैं वो भी दिखता है उनमें, लीन रूप का जो एक एक है, एक स्वर से दूसरे में लीन होना, एक स्वर में ही लीन का प्रकार दिखाना, ये मैं जिस तरह अगर सौंदर्य भेद की तरफ से मैं देखूँ, अगर मैं हिंदी ज़्यादा जानता नहीं हूँ तो मैं यूँ कह सकूँ, सो आई जस्ट वॉन्टेड टू यू नो रिक्वेस्ट यू कि कुछ जो पारंपरिक जो ग्वालियर परंपरा की या और भी परंपरा की कुछ चीज़ें
अगर ध्यान में आए सुमिरन में, तो उनका अगर दीदार करवाएं ताकि पेडागॉजी का पता लगे. वन दैट योर मॉम इज टीचिंग कंपोजिशंस दैट ही डिड एंड देन द कंपोजिशंस दैट आर ओल्डर, यानी कि पुरानी जो पारंपरिक जो हैं. और इसके साथ साथ पंजाबी की और भी कोई रचनाएं पहुंची तुम तक? देखिए, परंपरागत बंदिशों का कुमार जी के पास में अच्छा खासा खजाना रहा है, और कुमार जी बहुत प्रेम से उनको जतन किया करते थे और उसकी खूबियों के साथ में उन्हें गाया करते थे. ये भी मैं आपको बता दूं, जो उनकी खुद की बनाई हुई चीज़ें हैं वो तो खैर मतलब अलग थी ही, लेकिन उन्होंने कभी भी परंपरागत बंदिशों को कमतर कभी नहीं समझा, बल्कि वो उन्हें हमेशा उच्च दर्जा देकर ही बात किया करते थे. ये बात अलग है कि उन्होंने कई पुरानी बंदिशों को संस्कारित किया है, उन जिनके कई मतलब क्या होता है, अवाचिक परंपरा है ना, ये तो ओरल ट्रेडिशन हमें चलता आ रहा है सब सब कुछ. तो ये हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कल ही विष्णु दिगंबर जी के साथ, अभी 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 विष्णु दिगंबर जी अगस्त का उनका दिन रहता है, और कल ही विष्णु नारायण भातखंडे जी, जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत पद्धति का नोटेशन चलन हमारे सामने वो लेकर आए, उनकी कल उनका कल दिवस था. तो उनकी भी लिखी हुई कॉम्पोजिशन, विष्णु दिगंबर जी की भी कॉम्पोजिशन, और पुराने अलग अलग घरानों के लोगों का, जिनको कुमार जी का, कुमार जी को जिनका सानिध्य मिलता गया, सिंधे खां साहब हैं, रामपुर घराने के विलायत हसन खां साहब हैं, विलायत खां साहब हैं, विलायत हुसैन खां साहब हैं, वाजिद हुसैन खां साहब हैं, इस तरह के बहुत लोगों का, जगन्नाथ बुआ पुरोहित हैं, ओमकरनाथ जी ठाकुर हैं, पंडित ओमकरनाथ ठाकुर, बड़े बड़े लोगों का सानिध्य कुमार जी को बहुत बार मिला, कई कई वर्षों तक मिला. और उसकी वजह से कृष्णराव फुलंब्रीकर जी, मास्टर कृष्णराव जिनको कहते हैं, उनका सानिध्य मिला. तो सब लोगों से कुमार जी ने बहुत सुंदर सुंदर कॉम्पोजिशंस सीखे. अच्छा. और उनको जरूरत लगी, उन्होंने उन कॉम्पोजिशन को जो ओरल ट्रेडिशन में आने के कारण कहीं कुछ उनका ढांचा थोड़ा सा हिल गया था, ऐसा कुमार जी को लगा, वहां उन्होंने उसको एक सुचारू स्वरूप देने की कोशिश की. ये बहुत अलग विषय है, मैं अभी इसमें बिल्कुल जाना नहीं चाहूंगी, क्योंकि ये बहुत गहरा विषय है और ये केवल और केवल आमने सामने बैठकर संगीत विद्यार्थियों को समझाने का विषय है, इसलिए मैं आज इस विषय पर नहीं जाऊंगी. लेकिन आपने परंपरागत बंदिशों का जिक्र किया मेरा है, गहराई से क्या वास्ता, बहुत लाजवाब कॉम्पोजिशन. मेरा ये बिल्कुल नहीं नहीं, ये बिल्कुल मेरा कहना नहीं है, आप इसको नहीं, आपने ना कहा हो, हम तो तरोड़े मरोड़ेंगे ना बात को. मेरा काम है तरोड़ना मरोड़ना उसका. अच्छा खैर, तुम बता रही थी. मैं ये कह रही हूँ कि ग्वालियर घराने की हम बच्चों की बात कर रहे थे. ग्वालियर घराने में आप और हम सब जानते हैं कि हमीर बहुत एक जाना माना और प्रचलित राग है, जो माना जाता है कि ग्वालियर घराने की खासियत उसको एक तरह से माना जाता है. तो कुमार जी जब ग्वालियर आया करते थे, तब राजा भैया पूछवाले जी का बहुत वो प्यार मिला, बड़े पूछवाले जी का. कुमार जी ने उनसे बहुत उम्दा टप्पे भी सीखे. really? और, अच्छा. और बहुत लाजवाब बंदिशें सीखी. तो ऐसे समय पे एक खमीर की बहुत पुरानी बंदिश है, मैं वो आपके लिए थोड़ी सी गुनगुना देती हूँ, वो सभी को मालूम है वैसे. लेकिन क्या होता है कि अपने संगीत की खूबी यह है कि गाने वाले का नजरिया बदलता है, केवल सीखा हुआ नहीं काम आता, केवल सीखा हुआ एक हद तक काम आता है, उसके बाद में आपका नजरिया बोलता है, बल्कि बोलना चाहिए. आपका जो नजरिया है उस बंदिश को देखने का, उस बंदिश को समझने का, उस राग को समझने का, आपका नजरिया क्या है, वो आपके गाने में बोलता है. तो कुमार जी जब हमीर गाते हैं, कुमार जी जब कोई परंपरागत बंदिश हमीर की गाते हैं, तो वो उनका नजरिया बोलता है, वो बंदिश तो बोलती है लेकिन कुमार जी के नजरिए से. तो इसीलिए एक एक बहुत पुरानी बंदिश है, मैं
उसको गुनगुनाना पसंद करूंगी आज। कहाँ चला गया? देखो भाई समय हो चला है भाई। अरे काहे का समय, मेरे अभी यमदूत तो आए नहीं। हेलो, कोई आया नहीं मुझे लेके जाने के लिए? कोई नहीं आया अभी। और जो बड़े स्टार लोग होते हैं ना, वो समय का बड़ा करते हैं। नहीं नहीं, क्या है कि हम इतना नहीं करें कि सब लोग पहले ही भाग जाएं। अरे कोई नहीं भागता। ये दो आज जो वार्ता सुन रहे हैं उनके लिए भी है, जो अभी आएंगे 10-50 साल बाद, ये उनके लिए भी वार्ता है। सो ये वार्ता भविष्य के लिए भी है। लोग ये ना कहे कि बहुत बकबक हो गई अब हम। अरे लोगों को कहने दो, लोगों को कहने दो। बाय द वे पंडित सोमदत्त बत्तू जी इज आल्सो हियर एंड ही इज सेंडिंग हिज रिगार्ड्स एंड आई सॉ हिज मैसेज लेटर व्हेन ही वाज रिक्वेस्टिंग or desiring that some compositions be sung, but then you began to sing. I think we are singing now. So he also sends his regards, and Manjeet Kaur Thanjal from Punjab is there, from Fagwara. Shahid Mirza is there. Many, many friends are joining. Haan ji. Kya baat? To mitro, mana ki ye bhai Baldeep Singh ji ko ek taraf rakh dijiye, ab aap aur hum baat kar rahe hain. मैं हमीर की कॉम्पोजिशन आप सब लोगों के लिए गा रही हूँ, और उसके बाद में एक अंतिम भजन थोड़ी बातचीत के बाद सुना के आज हम विराम लेंगे। अच्छा, मतलब भजन अंतिम अंतिम भजन है, मतलब उसके बाद भजन होते ही नहीं क्या? अंतिम क्या होता है ये? मैं अभी अभी ये तो हमीर की बंदिश हो रही है, अभी तो ये प्रीलूड, अभी तो आलाप हुआ है हमारी वार्ता का। चलिए लंगर वार कैसे। ये बहुत
जिसको हम हिंदी में कहते हैं सर्वश्रुत, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर सुनी जाने वाली बंदिश है। और इसी के साथ में एक और पुरानी बंदिश, ये भी बहुत गाई जाती है, लेकिन जो कुमार जी को गुरु ग्रह से मिली, ताई ने मुझे सिखाई, वे मिया मेंडे जाने, वे मिया मेंडे जाने, वे मिया मेंडे जाने, अखिवे निवलगा तेंडेरे नाल, वे मिया मेंडे जाने। जो बल है इसका, इस बंदिश का बल है, वो समझने की बात है। हर बंदिश की अपनी एक खूबी होती है, आप जानते हैं, किसी बंदिश में कोई चीज होती है, किसी बंदिश में कोई चीज होती है, किसी किस वजह से वो बंदिश उस राग का अलग रूप दिखाती है, ये हमें समझने की बात है। यदि हम समझेंगे तो हम सामने वाले के सामने पेश कर पाएंगे। ये बात कैसे घर जाऊंगे नहीं है, ये बात है। रात दिन सानू ध्यान तू सारा, रात दिन सानू ध्यान तू सारा, रंग मैं बन जाकी मैं या मेरे सोने। क्या बात है मंजुली जी, कह रहे थे बहुत आनंद आ रहा है आप दोनों जी इस संगीतक चर्चा में, अभी विराम देने की ना सोचें। मंजरी सिन्हा जी कह रही हैं जरा बाहोश रहें, जरा खबरदार रहें। मंजरी आप बहुत 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 शुक्रिया आपका कि आप अभी तक बनी हुई हैं। मुझे तो लगा था कि इतना आप निकल गई होंगी, मतलब इतना ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो सबको हैं, और फिर कह रही हो कि वाह एकदम नया आनंद हमीर की इस चिर परिचित बंदिश में। सुनंदा भी वाह कह रही है, और मंजरी जी कह रही है कि वाह बंदिश का बल धैवत में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सुनंदा तुम अपना रियाज करो भाई, ये कहाँ हमारी बातचीत सुन रही हो। अरे मतलब हद हो गई, मतलब सुनंदा मैं तो लड़ाई करा रहे हैं तो अड़ी अपनी गपशप कितना हो रही है, लुक एट दिस। नहीं नहीं बहुत दिस इज अ फैंटास्टिक कंपोजिशन, द स्ट्रक्चर अगेन इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और जो राजा भैया पूंछ वाले के बारे में कुछ याद, कुछ बातें याद हैं जो बताते थे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा उनका? ही इज अ वेरी बिग, ही इज अ स्टॉलवर्ट ऑफ आवर of the 20th century. I mean, what a person, what a vidwan. I didn't know that your dad spent time with him as well. मुझे नहीं मालूम था, this is amazing. कुमार जी के लिए राजा भैया पूछवाले बहुत बड़े गुरु समान थे, अपनी गुरु तुल्य मानते थे कुमार जी को। और कुमार जी कई कई दिनों तक, बल्कि लंबे समय तक उनके सानिध्य में रहे हैं ग्वालियर में, और उनसे बहुत चीजें उन्होंने सीखी हैं। और राजा भैया का इतना पुत्रवत, बेटे समान मानते थे कुमार जी को, और कुमार जी की का व्यक्तित्व ऐसा था, पर्सनालिटी ऐसी थी कि सब लोग बहुत प्यार करते थे कुमार जी से। और सबसे बड़ी बात यह कि कुमार जी संगीत में विचार लाने वाले पहले कलाकार थे। आज हम सब लोग इतनी बातचीत कर रहे हैं, ये हम 50 साल पहले नहीं सोच सकते थे, 40 साल पहले भी नहीं सोच सकते थे, जो हम आज इतनी खुले रूप से आप सब लोगों से जुड़ पाए हैं, बातचीत कर रहे हैं, संगीत को लेकर हम इतना आदान प्रदान कर रहे हैं। मुझे लगता है इसमें इस घटना को होने में कुमार जी का सबसे बड़ा योगदान है। कुमार जी पहले ऐसे कलाकार थे जो संगीत में विचारों को लेके आए, और संगीत के ऊपर बात की जानी चाहिए, संगीत एक साझा करने की चीज है, संगीतकारों को एक दूसरे से बात करनी चाहिए, शास्त्र को लेकर बात करनी चाहिए, कॉम्पोजिशन को लेकर बात करनी चाहिए, संगीत
हमें क्या देता है, हम किस तरह से उसको पेश करते हैं, राग क्या कहता है, बंदिश क्या कहती है, बहुत अलग अलग आयाम संगीत को लेकर कुमार जी ने सोचे, उनकी गहराई में गए और अलग अलग संगीत कलाकारों से जो उन्होंने पाया, जैसे कि अभी आपने कहा राजा भैया पूछवाले जी, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जी, जगन्नाथ बाबा पुरोहित जी, मास्टर कृष्णराव जी, बहुत बड़े बड़े लोग इस तरह से, संजय खान साहब, उनके गुरु जी टाइम के तो थे ही, तो बड़े लोगों का, अंजनी बाई मालपेकर जी, मैं कैसे भूल गई उनका नाम, अंजनी बाई मालपेकर जी जो भैंडी बाजार घराने की अद्वितीय महान विदुषी रही है, कुमार जी को बाबा कहकर बुलाती थी, कुमार बाबा, और सुरों की गहराई जो कुमार जी ने पाई है वो अंजनी माई के सानिध्य में पाई है। बंबई में जहाँ कुमार जी रहते थे पास में ऑपेरा हाउस में, वहां से अंजनी बाई मालपेकर का घर पास में था और उन्होंने तब गाना बंद कर दिया था पब्लिक में, लेकिन वो केवल और केवल कुमार जी को संगीत सिखाते थे। अच्छा, कुछ याद आ रही है उनकी, कुछ चीज याद आ रही है उनकी? I have never heard Harvangi. अरे मुझसे क्या कह रहे हैं आप, मेरे जन्म के पहले वो विश्व से जो वो बहुत विदुषी महिला थी, बहुत बड़ी कलाकार थी, मेरी माँ याद करती हैं कि कुमार जी उनके बारे में इतने इतनी बड़ी बड़ी और सुंदर बातें किया करते थे, संगीत सुरों की गहराई को लेकर जब कुमार जी बात करते थे माई के बारे में, माई कहते थे उनको, माई मानते थे, माई के बारे में बात करते थे, तो कुमार जी कई बार रोने लग जाते थे उनको याद करते, क्योंकि कुमार जी कहते थे कि जो माई ने मुझे संगीत सुरों की जो गहराई बताई है वो मुझे और कहीं नहीं पता चलती यदि मैं उनके पास नहीं जाता। तो ये मेरी माँ इस घटना को एक बार कहीं उन्होंने बताया, हमें भी बताया है कि ताई ने कुमार जी को कहा कि आप इतनी माई के बारे में बात करते हैं तो कभी मुझे भी उनके दर्शन करवाइए, मुझे भी देखना है। तो बाबा ने कहा कि अच्छा चलो मैं ले चलता हूँ। बम्बई में गए थे तो माई के माई थप की, तो बाबा ताई को लेकर माई के घर गए। उस समय माई बहुत वृद्धा अवस्था में चली गई थी और लगभग किसी से बात भी नहीं करती थी, इतनी अशक्त भी हो गई थी। और जब बाबा उनके घर पर गए तो उनका तानपुरा कोने पर रखा हुआ था। अच्छा। उसको कई महीनों से किसी ने हाथ नहीं लगाया था उस तानपुरे को। कुमार जी ने जाके वो तानपुरा निकाला, उसकी धूल साफ की, उसको मिलाया और ताई कहती है कि कुमार जी घंटे भर तक बिना कुछ बोले तानपुरा बजा रहे थे, केवल तानपुरा बजा रहे थे, उन्होंने माई से कुछ नहीं कहा। फिर तानपुरा बजाते बजाते कुमार जी भैरवी के स्वर गुनगुना रहे थे, क्योंकि माई ने उन्हें स्पेशली भैरवी सिखाई थी। भैरवी ये माई का बहुत प्रिय राग हुआ करता था, तो कुमार जी ने भैरवी की के स्वर गाना शुरू किया तानपुरा बजाते हुए। सब कुछ शांत था और मेरी माँ बताती है कि एक क्षण ऐसा आया कि माई ने सुर लगाया और इतना आनंद उस समय, ताई कहती थी कि मैं बता नहीं सकती कि मुझे क्या आनंद हुआ उस समय जब माई ने सुर लगाया। लेकिन तुरंत उन्होंने कहा माई ने, नहीं बाबा, कुमार बाबा नहीं, आज मेरा सुर नहीं लग रहा है, आज मेरा सुर नहीं। तो बाबा ने केवल मेरी माँ की तरफ देखा और जो भी उनकी आपस में, तो ऐसा तो नहीं था, सुर तो लग रहा था, सुर तो लगा था, ऐसा क्यों कह रही है माई कि सुर नहीं लगा, ऐसा क्यों कह रही है, बिना बोले किसी तरह की कोई कन्वर्सेशन नहीं, केवल बाबा गा रहे थे उधर से माई भी गा रही थी। बाबा ने फिर गाना शुरू किया, बाबा भी गा रहे थे भैरवी के सुर कर रहे। माई ने जो एक मध्यम लगाया भैरवी का, मेरी माँ कहती है कि पैर से लेके सर तक मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वो जो स्वर लगा था वो स्वर नहीं था, वो केवल प्रकाश था। वाह वाह, वो केवल प्रकाश था। मेरी माँ कहती कि मैं
उस पल का इससे अधिक वर्णन ही नहीं कर सकते। तो इस तरह कुमार जी को बहुत बड़े गुरुओं का सानिध्य मिला, उसी तरह से राजा भैया पूछवाले का भी बहुत प्यार और बहुत गहरा सानिध्य मिला। कुमार जी के पास में राजा भैया ने अपनी सारी पुस्तकें जो टप्पे अच्छा की थी वो कुमार जी, सबसे पहले रियली कुमार जी को, अच्छा और वो विष्णु दिगंबर पद्धति में टप्पे के सारे नोटेशन उसमें है, उन पुस्तकों में। अच्छा और पाटी स्वाभाविक रूप से भातखंडे पद्धति का नोटेशन सीखे हुए थे। तो जब कुमार जी काम चल रहा था ठुमरी टप्पा ताराना, इस विशेष कार्यक्रम कुमार जी ने कार्यक्रम किया था, थीम कॉन्सर्ट था ठुमरी टप्पा और ताराना। वो एक बहुत गहरा अभ्यास था ठुमरी टप्पा और ताराना, इन तीनों चीजों को लेकर। तो उन टप्पों के नोटेशन को समझने के लिए और गहराई से, हालांकि उन्होंने सीखे हुए थे, हमारे यहाँ उस समय कुमार जी ने स्पेशली बुलाया था बोड़स जी को कानपुर से। बोड़स जी यानी बिना शास्त्र बुद्धि जी के पिताजी, अच्छा जो खुद विष्णु दिगंबर जी के शिष्य रहे हैं, 11 शिष्य जो शुरू 11 शिष्य रहे हैं, ओमकारनाथ जी और ये सब लोग, तो बोड़स जी भी उनमें से एक रहे हैं। प्रोफेसर देवधर के साथ में प्रोफेसर बोड़स जी भी शिष्य रहे हैं, काशीनाथ जी बोड़स और वीणा सहस्त्र बुद्धे के पिताजी। तो बोड़स जी भी हमारे यहाँ कई बार आकर रहा करते पुणे में थे। रहते थे ना बाद में? नहीं, वीणा सहस्त्र बुद्धे जी पूना रहती थी, लेकिन अच्छा बोड़स जी कानपुर में ही रहे, कानपुर में। क्योंकि विष्णु दिगंबर जी का अपने शिष्यों को आदेश रहा हुआ था कि कौन शिष्य कहाँ जाकर रहेगा और संगीत का प्रचार प्रसार। आई सी, बिल्कुल, बहुत दूरदर्शी संगीतकार कहना चाहिए, निर्विवाद रूप से पंडित विष्णु दिगंबर जैसा दूरदर्शी संगीतकार, जिसकी वजह से संगीत आज हर जगह हमें मिल रहा है, उसमें उनका योगदान की हम क्या बात करें। यदि आज उनके शिष्य जगह जगह इलाहाबाद में जाके श्री कशालकर जी को उन्होंने बसने के लिए कहा, ताकि अच्छा उस संगीत प्रसार हो, भारतीय शास्त्रीय संगीत की बात कर रही हूँ मैं। उसी तरह बोड़स जी को उन्होंने कानपुर जाके बसने की बात की कि आप तुम कानपुर जाओ। इसी तरह से अलग अलग, तो कहने की बात यह है कि बोड़स जी को खास तौर से देवास बुलाया गया, और वैसे भी वो आते थे, और उनको कहा गया कि भाई आप आइए, और एक दो दिन नहीं, महीने 2 महीने के लिए आई। तो वो 2 महीना हमारे घर में रहे। मेरी माँ ने, वसुंधरा जी ने, विश्व दिगंबर संगीत पद्धति का नोटेशन उनसे पूरा सीखा, अच्छा सारे टप्पे सीखे वसुंधरा जी, उन टप्पों को भातखंडे पद्धति में नोटेशन किया, रियली भातखंडे अच्छा पद्धति उसका लिख के लिया, और फिर कुमार जी ने उसके ऊपर काम किया। ये क्या कोई भी बात। थीम का कुमार जी का करने के पीछे सालों की मेहनत हुआ करती थी, और केवल 1 घंटे 1 घंटे केवल 2-4 किताबें पढ़ के, कभी इस तरह से नहीं। आप समझ सकते हैं मैं आपको जो वर्णन कर रही हूँ, तो इतनी गहराई से उनपे काम करने के कारण राजा भैया पूछवाले से, राजा भैया पूछवाले जी से सीखे हुए टप्पे उनको बाकायदा और पक्का किया गया, उनके नोटेशन को और अच्छी तरह से समझ के फिर उनको प्रस्तुत किया गया। तो कुछ याद आ रहा है? ये कुछ कुछ याद आ रहा है उनसे? भाई, मैं बहुत छोटी थी, मैं सच बताऊं, ये सब मैं अब आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैंने वो सब बाद में पढ़ा, वो सब जाना और उनसे देखा, लेकिन मुझे ये मालूम था कि मैंने ये देखा हुआ है, मेरे सामने की बात है कि वो आए हैं, अभ्यास चल रहा है, घंटों अच्छा घंटों बाबा के कमरे में मेरी माँ उनसे सीख रही है, नोटेशन कैसे लिखना सीख रही है, समझना, उनको ट्रांसलेट करना, ट्रांसलेट इन द सेंस फ्रॉम विष्णु दिगंबर पद्धति से भातखंडे पद्धति। तो ये सब मेरी नजरों के सामने हुआ करता था, पर हम जब स्कूल जाया करते Was थे। it published? Was that work published या सिर्फ किताबों में ही है? नहीं, पब्लिश होने की बात नहीं, ये तो अपने अभ्यास की, अच्छा अपने अपने अभ्यास के लिए, वो पब्लिश करने के लिए कोई चीज नहीं है, तो स्वयं स्वयं समृद्धि की बात है, ये खुद को समृद्ध करने की बात है। लोगों के सामने तो प्रोग्राम गाया ठुमरी टप्पा ताराना, वो लोगों के सामने, वो लोगों के लिए ही, वो लोगों के लिए किया गया था। तो ये एक बात राजा भैया पूछवाले जी की बहुत गहराई से कुमार जी उनसे जुड़े हुए। क्या बात है, क्या बात है।
और कुमार जी का जो भजन या निर्गुण संगीत के सगुण और निर्गुण दोनों उन्होंने गाए ना, सगुण भी गाया और निर्गुण भी बिल्कुल। गाया। सगुण में क्या क्या कुछ याद आ रहा है, एक एक प्रमाण नहीं, याद अगर। याद से याद करने की जरूरत नहीं, सभी याद है, याद तो सभी है, अच्छा बात मतलब ये सब याद है, नखरे मतलब अलग लग रहे हैं। अच्छा मुझे मालूम, मैंने कहा पूछ लूं, पूछने में क्या दिक्कत है, क्यों सुनंदा पूछ लेना चाहिए ना कहीं। देखिए, खाना खाते समय दो या तीन चीजें ही खानी चाहिए, नहीं, 56 पकवान एक तरह से खाएंगे मेरा तो बड़ा मुश्किल। मेरा हाजमा बहुत है, हमारी तो फिक्र 56 पकवान बहुत की थाली, एक एक नहीं, हम नहीं खा सकते और हम खिला भी नहीं सकते, तो एक समय के लिए थोड़ा थोड़ा ही करना बहुत है, और हम काफी कुछ कर चुके हैं। मैं आपको निर्गुण की बात जरूर बताती हूँ। सगुण में कुमार जी ने तुलसीदास को का अभ्यास किया, तुलसीदास एक दर्शन, फिर सूरदास का अभ्यास किया, मीराबाई, कबीर तो खैर है ही, उसके अलावा तुकाराम भी हुए। बहुत संत कवियों के बारे में बहुत गहराई से सोचने के बाद में भी मुझे ऐसे लगता है कि जैसे आपने कहा, ज्यादातर जनमानस में उनका कबीर बहुत लोगों को मन को भाया, बहुत ज्यादा भाया, और बल्कि मैं ये कहूँ कि जब भी कबीर की बात आती है तो कुमार जी की बात किए बिना लोग मानते नहीं है, क्योंकि वो बहुत अलग एक कबीर है जो कुमार जी के माध्यम से हमारे सामने आया। और ये भी एक मैं बात बताऊं कि देवास आने के कारण, जो देवास में जो एक ओरल ट्रेडिशन रहा है नाथ संप्रदाय के लोगों का, उसकी वजह से कुमार जी को दूसरे नाथ योगी जिनको हम कहते हैं, देवर पोएट्स बट सेंट पोएट्स, या मिस्टिक सेंट पोएट्स जिनको हम कहेंगे, गोरखनाथ गोरखनाथ जी हैं, मच्छिंद्रनाथ जी हैं, और इस तरह भर्तृहरि नाथ जी हैं, इस तरह के लोगों के पद कुमार जी के संपर्क में आए, और एक अलग ही रूप हमारे सामने कुमार जी लेकर आए, और उसकी वजह से भी कुमार जी का कबीर ये एक अलग विषय है। यहाँ पर खास तौर से मालवा में निर्गुण जो है वो एकांत में गाने की चीज है। निर्गुण या बाजार में या लोगों के बीच जाके गाने की चीज नहीं है, वो एकांत में गाने की चीज है, कई बार श्मशान में भी गाने की चीज है। श्मशान की जो शांतता है, जो एकांत श्मशान का रहता है, जो शून्य वहां रहता है, जो एक अलग एकांत है। देखिए, स्मशान का एकांत अलग एकांत है, वो आपके और हमारे ड्राइंग रूम का एकांत नहीं है, ऐसा कुमार जी कहा करते थे, जो कि सच बात है। ड्राइंग रूम में एसी लगा के बैठ जाने से कुमार जी कहते थे कि आप एकांत का अनुभव नहीं करेंगे, वो एकांत एकांत नहीं है। जो आप निर्गुण का एकांत, जिस एकांत की कुमार जी बात करते हैं, जो शून्य की बात करते हैं, एकांत बहुत अलग पायदान, जिसको हम कहते हैं अलग लेवल का एकांत है। वो कई बार कुमार जी कहते थे कि शहरों में जो रहने वाले लोग हैं वो कई बार उस एकांत को नहीं समझ पाते, क्योंकि वो इतने कोलाहल के बीच रहते हैं, इतने कोलाहल के बीच रहने के बाद में उस एकांत को समझना भी मुश्किल है कई बार। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि कुमार जी के सुरों के माध्यम से कहीं ना कहीं व्यक्ति उस एकांत तक जुड़ा जुड़ता है, उस एकांत से जुड़ता है। हम बाकी कोलाहल के बीच में उस एकांत के साथ में कितने जुड़ते हैं मुझे नहीं मालूम, उसका अनुभव हम कितने कर पाते हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन जब कुमार जी गाते हैं, कुमार जी के सुर बोलते हैं, तब उस एकांत का अनुभव व्यक्ति करता है, और ये बहुत बड़ी ताकत है उन सुरों की, ऐसा मुझे लगता है। तो अब क्या होता है कि जब हम आप लोगों के लिए गाते हैं निर्गुण, तो हम तो ऑडिटोरियम में हैं, आज हम इतने लोगों के लिए सब ये कर रहे हैं, और प्रोग्राम जब होता है तब ऑडिटोरियम में होता है, हमारे मानस में वो एकांत है जिसकी मैंने अभी आपसे बात की, लेकिन हम लोगों के बीच बैठे हुए हैं, और हमें लोगों को उस एकांत के साथ रूबरू हो करवाना है
जो हमारे दिलो दिमाग में छाया हुआ है उन सुरों के साथ। तो ये आसान नहीं है भाई जी, इसको हमारे से आप तक पहुंचाना, टू ट्रांसमिट दैट फीलिंग, वो हमारे से आप तक पहुंचाना इतना आसान नहीं, जो कुमार जी के सुरों के माध्यम से बहुत बड़े पैमाने पे लोग अनुभव कर किया करते थे। तो मैं एक कबीर का तो नहीं, लेकिन एक बहुत ही जाना माना भजन है कुमार जी का, कुमार जी द्वारा गाया हुआ, वो मैं सुना के अपनी बात आज खत्म करना पसंद करूंगी। क्योंकि मैं इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि कई बार मैंने देखा है, अपने महफिलों में भी देखा है, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि उनके बाद कुछ न कहा जाए तो ज्यादा बेहतर है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि सुर बोलते हैं। आप इससे सहमत हैं मेरी इस बात से? आर यू अग्री विद दिस? नो, वाई, क्यों? क्योंकि कुछ जो पदे हैं, जो निर्गुणी पदों की बात कही, वो 16 आने सच है, पर उसके बाद अगर उसी मयार की चीज हो तो मुसलसल चल सकती है, अखंड चल सकती है, और वो स्तर नीचे करना मुनासिब नहीं होता है। जब एक जिसने शून्य की बात कही, सन्नाटे की बात कही, चिंतन मनन की बात कही, जप और ध्यान की बात कही, तो फिर जहां पे मैं सहमत हूं वो ये है कि उसके बाद फिर थॉट का या वाणी का मयार नीचे नहीं किया जा सकता जी। फिर उसी मुकाबल पे उसी किस्म की वाणी जो गुरुवाणी कहलाती है, यो ब्रह्म तत्व है जिसमें, ब्रह्म तत्व है जिसमें, निराकार निरंकार पारब्रह्म की है जो उपासना है, जो जो मन के श्रृंगार हैं, सर्व श्रृंगार हैं, उनको उनसे श्रृंगारित होने की, लबरेज होने की बात, और मन के जो विकार हैं उनको खदेड़ देने की बात जो हो, और परा ब्रह्म से मेल की बात हो, वो तो फिर लगातार भी हो सकती है, ये नहीं कि उसमें कोई कमी आती। मैं जितना सहमत तो असहमत दोनों हूँ कि ये नहीं कि गाना बंद, ये कोई बात नहीं कि अच्छा मैं गा के अब बंद कर दूंगी, वहां पे मेरी सहमति नहीं है, पर ये सहमत हूं कि हाँ, अगर जब वार्ता इस मयार पे आ जाए, और जब वाणी, बड़ों की वाणी जब बात आ जाए, बड़ों का संगीत आ जाए, और वाणी का ऐसा समावेश हो, संगम हो, उसके बाद फिर मोरे मंदर अब लौ नहीं आई, काजी भूल भई सास की, यू नो, ननद या बैया मरोड़ी चूड़िया, वो दैट गगरिया फोड़ी, देन इट गोज बियॉन्ड, फिर वो परा तत्व की बात है, ब्रह्म तत्व की बात है, बिल्कुल उसमें मैं एब्सोल्युटली, फिर वो मयार नीचे करना बहुत शोरीला लगता है जी। और पर बहुत अच्छी, क्या वर्णन किया है सन्नाटे का, शून्यता का, और शांति का, एकांत का वर्णन, और योगियों का, जो गुरु नानक देव जी का तो वार्ता हुई, मतलब गोष्ठी है ना, सिद्ध गोष्ठी पूरी, गोरखनाथ मशिंद्रनाथ से वार्ता है, सिद्ध गोष्ठी हुई है, और गुरुवाणी में स्वर्ण मंदिर के जो पुरानी रचनाएं मिलती हैं उनमें गुरु नानक देव जी की रचनाएं नाथ नाथ संप्रदाय में, योगियों की संप्रदाय में मिलती है, जैसे जोगी गली जोग ना हो, मेरे बड़ चाचा बाबा ज्वाला सिंह यूज़ टू बी फेमस फॉर दिस, गली जोग ना होई, एक दृष्टि कर सब सर जाने, जोगी कही है सोई, जोगी कही है सोई, जोगी गली जोग ना हो, मतलब रचनाएं अद्भुत रचनाएं उस संप्रदाय की, और वेरी प्रेशियस ये जो वार्ता जो हो रही है ना हमारी, ये मेरे लिए निजी तौर पे बहुत प्रेशियस है,
क्योंकि कितनी जी जी बड़ी उस ज्ञान की और ध्यान की और जीवन पदा पा जाने की, गुरु नानक भी इस पदे में कहते हैं आखिर में कि अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगति तव पाई है, कि अंजन माहे निरंजन रही है। सो ये बड़ी बातें हैं। क्या बात है, वाह वाह, जी फरमाएं आप, कौन सी याद आ रही है आपको? आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ भैया, अच्छा, तो एक गोरखनाथ जी का भजन है, हाँ उसके कुछ अंतरे गुनगुना देती हूँ। जी सर के, जी सर। आपको तानपुरा सुनाई दे रहा है? हाँ अच्छा गुरु जी, मैं तो एक निरंजन धाम वाह जी। वाह वाह, गुरु जी, मैं तो एक निरंजन ध्याऊं जी, दूजे के संग नहीं जाऊं जी। मैं वाह वाह वाह, तो एक निरंजन ध्याऊं जी, क्या बात, दुख ना जानू जी, दर्द ना जानू जी, मैं ना कोई वेद बुलाऊं जी, सतगुरु वेद मिले अविनाशी, वाको ही नाड़ी बताऊं जी। गुरु जी, मैं तो एक निरंजन ध्याऊं जी। क्या बात है, हमारी मित्र हैं लिंडा हैस, उन्होंने इसका बहुत सुंदर भावानुवाद किया है, मैं उसकी थोड़ा सा पढ़ देती हूँ। तो जी जो सर लोग के। आई मेडिटेट ओनली ऑन द वन, द मार्कलेस वन, आई डोंट कीप कंपनी विथ एनी अदर, आई मेडिटेट ओनली ऑन द वन, द मार्कलेस वन, आई डोंट कीप कंपनी विथ एनी अदर, आई हैव नो सॉरो, फील नो पेन, कॉल नो डॉक्टर, आई हैव मेट द ट्रू टीचर, द एवरलास्टिंग हीलर, ओनली ही कैन फील माई पल्सेस। आई डोंट गो टू गंगा और जमुना, डोंट बेथ इन होली वॉटर, द 68 होली प्लेसेस आर हियर इन माई बॉडी, राइट हियर आई वॉश अवे एवरी स्टेन। वाह गुरु वाह, जी, मैं एक मिनट में चल रहा हूँ। एक जान जान दर दर
जानू जी मैं ना कोई भेद बुलाबू जी बुलाबू जी सतगुरु वेद मिले विनाशी सतगुरु वेद मिले विनाशी गंगा जमुना न जाऊं जी मैं ना कोई तीरथ ना बुझी ना बुझी आठ साठ तीरथ है घाट भीतर आठ साठ तीरथ है घाट भीतर वाही पे मल मल ना बुझी तुझे के संग नहीं जाऊं जी जाऊं न जा कहे गोरख जे सुनो हाँ मछिंदर मैं जोता में जोता मिला सतगुरु के मैं शरण से सतगुरु के मैं शरण से आवागमन मिटाऊं जी मिटाऊं जी You see, now you said that you're not going anywhere. अब तो मानना पड़ेगा ना. सदगुरु के चरण पकड़ती हूँ और कहीं नहीं जाऊँ. Thank you so much. Thank That's you so a much. Beautiful composition. No, thank you for sharing this extraordinary composition. So, what about you as a composer? Have you also has it rubbed on to you because you've seen compositions happening when it's raining, you're dancing in the rain, and your dad's composing something. Something else is happening, another composition's coming. So does it open, did it open your kapat as well in the sense that, are you also like that? Are you able to pick up a text? Does music come to you as well? मैंने इस दिशा में कम काम किया है. अच्छा. खुद कंपोज करने में किया है, मैंने कुछ कुछ चीजें. अच्छा. कंपोज की हैं, पर बड़े पैमाने पर मैंने बहुत ज्यादा काम नहीं किया है. वो एक नैक होती है जो शायद मुझ में थोड़ी सी कम है. कंपोज करने की भी एक नैक होती है, वो एक अलग एक क्वालिटी होती है जो मुझ में नहीं है. मैं अपने आप तो, इस बारे में बहुत दैट्स ह्यूमिलिटी बट आइडियाज दैट बिकॉज़ आई सी दैट अक्सर देखने में आया. हलीमी बड़ा अच्छा गुण है और मैं इट्स नॉट अबाउट प्रेज और इन दैट सेंस इन द सेंस दैट
कि जब एक क्वालिटेटिव इंटरवेंशंस जब हम देखते हैं एक माहौल में जहाँ पे क्रिएटिव जूसेस फ्लो होते हैं, तो एक तरह से जहाँ पे नवीन रचनाओं की इज्जत की जाती है, इनोवेशन पे, एडाप्टिव रीयूज क्या रेस्टोरेशन पे, कुछ बिगड़ गया है उसको वापस उसका पुनर्सृजन कई बार किया जाता है। अगर कोई अस्थाई कहीं आई अंतरा नहीं आया, उसका टुकड़ा कैसे है, पता क्या है। सो जब हम जी इस तरह रिजर्वोआर के आसपास रहते, बड़ों के पास रहते, जहाँ पे क्रिएटिविटी फ्लो सो फ्रीली, अबंडेंटली और क्वालिटेटिवली, तो उसका असर तो जी होता है। मैं नहीं, उस निश्चित होता असर है, निश्चित ना, होता सो है, असर ही सबसे बड़ी चीज है। हाँ एग्जैक्टली। सो आई थिंक इट ऑल्सो इट इंस्पायर्स इन अ वे। जैसे अगर अपनी भी बात कहूँ कि आई मीन कुछ ऐसे ऐसे रेयर राग हैं जिनमें रचनाएं मुझसे भी हुई हैं, बदोबदी सोचा भी नहीं हो जाती हैं, क्योंकि एक तो पहले एक्सेस होता है उन आजकल तो रागों का, उन राग शुद्ध कांड किसी को अब नहीं मालूम, वो दरबारी ही याद है लोगों को, जो आसावरी मेल में बना कांड था, जो काफी मेल के मुकाबले आसावरी मेल का था। तो अलग अलग मेलों में राजा से धनासरी की बात करते हैं, अगर हम वो भीम पलास या वो जो काफी मेल के हैं राग, तो अनेक अनेक मेलों में गाया गया उनको भी। तो मेरा मतलब आखिरी आज का सवाल वो ये रहेगा कि इफ यू कैन शेयर कुछ रचनाओं के बारे में, अगर जो माहौल उस माहौल में बने तो तुम पर क्या असर हुआ, वर यू इंस्पायर्ड, डिड कंपोजिशंस हैपन व्हेन यू वर इन कन्वर्सेशन विद योर मॉम और योर डैड, के कुछ इंस्पिरेशन हुआ है, ऐसा कोई वाकया है या बाद में हैव यू डन? नहीं, कई कॉम्पोजिशंस कुमार जी के जो हैं उनके पीछे बहुत सुंदर सुंदर कुछ वाकए हैं, और जरूरी नहीं है कि कोई कॉम्पोजिशन बनने के लिए कोई बहुत बड़ा कोई पहाड़ टूटे या कोई पत्थर गिर जाए या कोई पेड़ हमारे सामने एकदम से कोई फूल आ जाए, जरूरी नहीं। बहुत छोटी छोटी चीजें जिंदगी की होती है, ऐसे ऐसे चुटकियों के सामने खुलता है खुलता है और कुछ ना कुछ हो जाता है, और छोटी सी बात होती है उसके ऊपर कोई कॉम्पोजिशन। कुमार जी के साथ में तो ये बहुत हुआ है इस तरह से, और मुझे उसको हम ये कह सकते हैं, मराठी में एक शब्द है कुल कथा, तो कुल कथा जो होती है वो उस कॉम्पोजिशन की जो जो एक एक उसकी उसकी जो घरानेदारी की जो एक कथा है, उस कॉम्पोजिशन की जो तो कथा है, वो बहुत सी ऐसी कथाएं हैं जो जिनको साझा किया जा सकता है, और निश्चित रूप से वो बहुत इंस्पायरिंग रहती है ये सारी चीजें, इसमें कोई शक नहीं। परंतु वो बहुत अलग विषय है भाई जी, और कुमार जी के साथ में तो ऐसा भी हुआ है कि मुझे भरोसा ही नहीं होता था कि इतनी छोटी घटना को लेकर इतनी लाजवाब कॉम्पोजिशन कुमार जी की मतलब बन गई है, इतना लाजवाब, धीरे धीरे समझ में आने वाली चीजें हैं, क्योंकि वो केवल उस घटना के ऊपर बनी कॉम्पोजिशन नहीं है, उस कॉम्पोजिशन में जिस राग में वो बन के आई है कॉम्पोजिशन, वो राग भी अपने पूरे अपने अपने सौंदर्य के साथ, अपने सामर्थ्य के साथ हमारे सामने आता है। तो ये केवल शब्दों को समझने की चीज नहीं, उन सुरों को भी समझने की चीज है, तो वो एक अलग अभ्यास का विषय है, इसमें कोई शक नहीं। एंड व्हाट अबाउट यू, जो मेरा तात्पर्य उनका तो है कि तुम्हारा कुछ इंस्पिरेशन, कुछ ऐसी चीज कोई मन को लगती हो, अगर साझी कर सको, टू एंड विद समथिंग दैट यू आर इंस्पायर्ड। बट हैव यू बीन टॉकिंग ऑफ इंस्पिरेशन, कि वर यू ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ, व्हेन यू हैव, यू एज ए कंपोजर हैव बीन इंस्पायर्ड लाइक योर डैड वॉज विद द निर्गुणी सरगुणी भक्ति रचनास, और यू ऑल्सो लुक्ड एट लाइक नॉर्मल ख्याल और अदर कंपोजिशंस और भजन कंपोजिशंस, आई मीन व्हाट हैज इंटरेस्टेड यू एज ए कंपोजर? दोनों ही चीजें बहुत उम्दा हैं, कोई भी चीज कम या ज्यादा नहीं मैं कह सकती। मतलब ट्रेडिशनल रागों में कंपोजिशन बनाना बहुत कोई ऊंची चीज है, और भजनों को कंपोज करना ना छोटी चीज है, नहीं मानती। छोटा बड़ा किसी तो भी नहीं। चीज को कंपोज, हाँ छोटा बड़ा नहीं है। मैंने कुछ भजन निश्चित रूप से कंपोज किए हैं, लेकिन मुझे आज खास तौर पे लग रहा है कि एक बार गुरुजी में तो एक निरंजन जैसा भजन होने के बाद में अपनी कंपोजिशन गाना, मतलब उस भजन की इज्जत खराब करना, ऐसा जेन्युइनली मुझे लगता है। ये मैं आपको टालने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन नहीं मुझे नहीं सच में हमारा ऐसे लगता वी गो वे बैक, टालने की बात ही नहीं है वो तो।
वरना मैं इतना समय अभी आपके साथ में खुशी खुशी गुजारा है। मुझे लगता है कि हमें इस भजन के इस बात पे अपना विराम इसलिए देना चाहिए क्योंकि ये एक अलग ऊंचाई का भजन है भाई जी। और मैं जो भी कुछ आपको यदि गा के मैंने सुना भी दिया अभी मेरा कंपोजिशन, तो वो मतलब बेवजह मैं अपने पैर पे क्यों कुल्हाड़ी मार के, सीधी बात है। अच्छा होगा कि हम इन सुरों के साथ में आज सबसे विदा ले लें। हाँ, ऐसा कर देते हैं कोई। अब मैं खुशी खुशी, मैं तो लड़ लड़ के भी समय बिता सकता हूँ, मैं तो बेशरम हूँ इसमें। मुझे जैसे मैंने कहा कि ये ठीक है, लड़ियों से लड़ी तो आगे बन जाएंगी, बट थैंक यू सो मच, तुमने समय निकाला। बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों के साथ में मिलके भाई जी आपसे बात करके। लंबे समय से हमारा झगड़ा चल रहा था आज के दिन के लिए, और आपने मुझे जोर दिया और आपने मुझे बाध्य किया, इसलिए मैंने मुझे हाँ कहना ही पड़ी। मतलब आपका इतना आग्रह था कि मैं उसको टाल नहीं पाई, और थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। लुक एट दैट, मतलब इल्जाम से समापन। अभी तुम कह रही थी कि अब फिर अब तो लड़ाई होगी अच्छी, कि पहले कह रही हूँ कि वो राग और वो बंदिश के बाद, वो शब्दों के बाद कुछ होना नहीं चाहिए, उसके बाद अब जो है, अब तुमने यानी कि शिकायत की बात कर दी, अलामा जिन पंजाबी कहने हैं उलाहनों की बात की है, तो अब तान अलग लगा दी, अब मुझे अब और लगानी पड़ेगी। खैर, मंजरी जी कुछ कह रही हैं, सुरीली विश्रांति यस, और सुनंदा कह रही हैं बहुत आनंद आया, और रवि उपाध्याय कह रहे हैं गदगद, और जनाब कोई इंद्रजीत सिंह जी हैं वो कह रहे हैं इसके बाद कुछ शेष नहीं रह जाता, ये आपका ख्याल है, अभी तो वार्ता शुरू हुई है। ये फिलॉसफी मैं नहीं मानता हूँ कि इसके बाद नहीं, ये सब नौटंकी होती है, मैं सब जानता हूँ, मैं भी पगड़ियों का पगड़ीधारी हूँ, मैं सब गेड़ियाँ शब्द से शब्द जानता हूँ। पर खैर, हमारा पहले ही ख्याल था कि हम जितना समा करना था वो मुकर्रर, वो कारण है जिसके कारण हम विराम लेंगे, क्योंकि वाणी जो है, वाणी जब परम तत्व की वाणी है, कोई एक पदा दूसरे पदे से ऊंचा नीचा नहीं होता, और जो परम तत्व के ब्रह्म तत्व के साथ जुड़ी हुई को धुन बनी है, कोई एक धुन बड़ी छोटी नहीं होती। जैसे मयार की बात अगर कहें तो, बट इट्स ब्यूटिफुल, थैंक यू, आई मीन जोक्स अपार्ट, आई कैन ओनली थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम आउट। और भुवनेश ने मदद की, उसका भी शुक्रिया, कैमरा शैमरा सेट करने के लिए, और लाइटिंग वगैरह भी की, किसने लाइटिंग, तुम्हारी है कि भुवनेश की है? मेरे पास एक छोटा डिवाइस मेरी शिष्या ने मुझे ला के दिया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई होप दिस लाइटिंग इज ओके विद यू, मच बेटर एंड विद ऑल, या वेरी गुड, सो थैंक यू सिया, मजा आया, सिया इज द नेम ऑफ माय स्टूडेंट, सो मजा आया आप सब लोगों के साथ अपनी बातें, जो बहुत लंबे समय के बाद किसी के साथ इस तरह से बाहर आ पाई। कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हमारे जहन में रहती हैं, हम उनको कभी बोल नहीं पाते, लेकिन आज आपने बातचीत बातचीत में बहुत कुछ ऐसी पुरानी और बहुत वैल्यूबल मेरे जो चीज़ें थी मेरे ज़िंदगी की, वो मुझसे मेरे ज़बान पे आप लेकर आए, शुक्रिया उसके। नो, बहुत टचिंग, इट वाज वेरी वेरी मूविंग एनेक्डोट्स जो तुमने साझे किए, वो आई थिंक इट विल इंस्पायर। आई वॉज लुकिंग एट द नोट्स, सम ऑफ द कॉमेंट्स दैट वर कमिंग एट द टाइम व्हेन यू वर शेयरिंग दोज, आई थिंक दे आर लाइफ चेंजिंग, बहुत ही प्रेरणा प्रेरित करने वाले, और सिर्फ उनके लिए नहीं जिन्होंने आज सुना, क्योंकि ये निजी निजी रिश्ता है, बहुत निजी। जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि एक माँ बाप होना, पर वो ऐसे हों जो विद्वान हों, पर विद्वान भी फिर ऐसे हों, और फिर उनकी शरण में रहना, सौबत मिलनी, जो संस्कार प्राप्त होते हैं, जो जो प्रेम करना उनके हाथों बंदा सीखता है, ज़िंदगी को पढ़ना सीखता है, ज़िंदगी को दुनिया को देखना सीखता है,
उसको उसका उसको भापना कैसे, उसको समझना कैसे, उसका अर्थ क्या है जीवन का, जिंदगी से मौत का। जो जिस सरलता से तुमने बात की कि अगर जब भी जाऊंगी मैं सबसे पहले बाबूजी से लड़ूंगी, आई विल फाइट विद माय डैड, पर वो जिस सरलता से बात है, सो वो कहने की बात नहीं, उसमें भी एक राज है, एक अपना इंटीमेसी है, एक एक बहुत ही डिग्निफाइड सेंस ऑफ ह्यूमर भी है, और उसमें एक विछोड़े की उसमें वैराग भी है, उसमें खेड़ा भी है, हर्ष भी है, उसमें शोक भी है, बकौल उन्हीं के शोक भी है उसमें, और वो मीठा शोक है जिसमें शुक्राने के सहत शोक है कि एक तरफ जैसे बंदा खुश भी हो रहा है पर आंसू भी बहा रहा है, एक वो एक ये बहुत बड़े भाग्य से इस तरह की सोबत मिलती है, और जिस उदारता से, जिस अपनत्व से, जो अपने निजी जो तुम्हारे अपनी जो यादें हैं, लम्हे जो रोम रोम में परोए हैं, जो हम सबसे सांझे किए हैं, हम तो ऋणी रहेंगे, और मुझे मुझे भरोसा है कि जो जो भी आने वाले समय में तुम्हारी इस वार्ता से जो वाकिफ होंगे, सुनेंगे, आई थिंक इट विल बी, इट विल गिव देम न्यू इनसाइट्स, क्योंकि एक होता है कल अपनी जो मैं भी देखता हूँ कि लेजेंड्स रह जाते हैं, बाबा ज्वाला सिंह जी ऐसा कहते थे, ये लेजेंड्स रह जाते हैं, फलाने ऐसे रह गए, पर हम और तुम जैसे जितने बड़े बड़े विद्वानों के जो सोबत में रहे, शिष्यगण रहे, या पुत्र या बच्चियां रहे, पुत्र पुत्री रहे, उनकी यादें जब जुबानी मिलती हैं, जब वो एक एनेक्डोट्स हम जब साझे करते हैं, आई थिंक दैट ब्रिंग्स टू लाइफ उन बड़े विद्वानों को, यानी कि आज 2020 में जैसे उनके दीदार, उनको रेसरेक्ट करना, जैसे उनको उनको उजागर करना, उनको पुनर्सुरजीत करने वाली बात हो जाती है। सो आई थिंक दीज आर नॉट स्मॉल मोमेंट्स। जो विद्वान पैदा कैसे होते हैं, विद्वान बनाता कैसे है अगले विद्वान, सपना कैसे लेता है कि कहीं वो इल्म जिसको मैं चाहता हूँ कहीं मुझ तक ही समापन ना हो जाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे से लंबा जिए ये जिसने मुझे इतना दिया। तो वो जो अरजोई है, वो जो अरदास है, वो जो प्रार्थना विद्वान करते हैं, बड़े पहले बड़े विद्वान हो, उनकी प्रार्थना भी बड़ी होती है, वो अपने अपनी अपनी सीमता से बढ़कर असीमता तक जाने की वो छोने का यत्न करते हैं। तो वो बातें हैं जो तुमसे हमें देखने को मिली, दोनों का, माता जी का भी वसुंधरा जी का स्मरण हुआ आज, पिताजी का उनकी उनकी उनका उनको उनकी यादें की गई। आई एम ओनली ग्रेटफुल, आई थिंक एवरीबडी वुड बी वेरी ग्रेटफुल टू यू दैट यू शेयर्ड सो सो वेरी काइंडली, सो वेरी लिबरली, बगैर कंजूसी के साथ सांझी की। मैंने भी टांच लगानी थी ना आखिर में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत कृपा जी, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, दिस इज माय कन्वर्सेशन विद विदुषी कलापनी कोमकली। आई होप यू एंजॉयड दिस कन्वर्सेशन। As you know, and those who joined later, you know, she studied with Pandit Kumar Gandharva, her father, and also received training from her mother, Vidushi Vasundhara Kobkali of the Gwalior Gharana. So thank you all for joining. I can take name Manjari Kiran, I can take names Gayatri Date, Madhusudan Rajam, Manjari ji, of course, is also saying Abhar Kalapni ji. She's thank you so much for staying up late with us, and all others, I mean, Pushpa Sharma and so on and so forth, many many names. Naam lunga to sama lag jayega, par aap sabka main abhar vyakt karta hu. To agli mulaqat meri jo hai mangalwar ko hogi. मंगलवार को मेरी मुलाकात होगी एक बहुत ही
विद्वान साजनवाज विदुषी कला रामनाथ से, वो रेडवुड सिटी कैलिफोर्निया से वो हम संग जुड़ेंगी वो, और मैं आस करता हूँ वो रात का समय होगा। रात का समय यूं के वेस्ट कोस्ट में है वो, तो वो जिसे कहें यहाँ के 9:30 बजे रात के बैठक शुरू होगी, वो भी तकरीबन 2-3 घंटे चलेगी, और वेस्ट कोस्ट पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 9:00 बजे अमेरिका के वेस्ट कोस्ट में, और यहाँ 9:30 बजे रात को मंगलवार को मुलाकात होगी। आप सबसे इजाज़त देता हूँ। सो फ्रेंड्स, आई विल बी सीइंग यू ऑल ऑन ट्यूसडे विद विदुषी कला रामनाथ। शी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट वायलिन प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, स्पेशली द हिंदुस्तानी वाद्य संगीत, and I'll be in conversation with her at about 9:30 p.m. India time and 9 a.m. Pacific Standard Time. So until then, I take leave and be well, be safe, don't go around in neighbors on their doorknobs, but it's time to keep safe. We are now only behind the United States in the number of cases and number of deaths that have occurred. We need to be careful. The greatest medicine is the distancing from each other, not to meet, not to party, to wear the mask, to keep yourself clean. If you go out, get exposed to vatavaran, come back and change clothes, take a shower, and then venture out in the rest of the house. So it's very, very important to keep well and keep safe. I'll see you next week on Tuesday with Vidushi Kala Ramnath. I'll be singing tomorrow night. I have an appointment with our friends in Toronto where I'll be singing. I'll be in conversation. I'll be singing some of the age-old compositions, originals of Kabir Sahab, originals of Baba Sheikh Farid, 9 centuries old compositions, Bhagat Namdev's and Bhagat Ravidas's original compositions, and the compositions of the Gurus tomorrow night. That I think the poster is out there on my page. You can join if you have time tomorrow night, that is at about 9:30. I'll see you on Tuesday after that. Satkartar, Khuda Hafiz, Varjika Khalsa, Varjik Fateh, Namaskar, a very good night.